सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में, रीट लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और ग्रेड सेकंड के लिए। जी हाँ बिल्कुल, इन सभी के लिए हम टीचिंग मेथड्स को डील कर रहे हैं एक जबरदस्त फॉर्म के अंदर। तो आप सभी तैयार रहे आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए। तो कैसे आप सभी, एक बार जल्दी से आप सभी का कमेंट ले लेते हैं और फटाफट फटाफट आप सभी वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए। सभी बच्चे क्या आ जाए बच्चा, टाइम से आ जाए, ठीक है ना बेटा। फिर हम कंटिन्यू आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। बाद में मेरे पास मौसमी मीणा जी, चंदा जाट, पंकज यादव, बहुत बढ़िया, मंजू बेनीवाल, गुड इवनिंग, चेतना बराला, गुड इवनिंग। एक बार बच्चे शेयर भी करके आया करें, ठीक है ना, बहुत जरूरी है ये शेयर करना, क्योंकि मेरे आवाज में दम जब भी आता है जब बेटा यहाँ से वीडियोस काफी शेयर होते हैं। अब यहाँ पर बेटा यहाँ से मैं आपके कमेंट कमेंट ले लेता हूँ, इसलिए आपके लिए बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। तो यहाँ से मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ, यहाँ से कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। चलो जी, चलो, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी के कमेंट ले लिए गए हैं। एक एक बच्चे की कोई भी अगर समस्या है तो स्टार्टिंग का 1 मिनट में आपको दे देता हूँ, आप अपनी समस्या है मुझे बता सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल बेटा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, लेकिन बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो चलिए, यहां से मेरे पास कमेंट आया है रेखा इंदौरिया का, शेयर कर दिया है सर जी। रजनी सिंह नमस्कार, बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। चेतना बराला गुड इवनिंग सर, ठीक है आप कैसे हैं? हम बिल्कुल अच्छे हैं, मजे में हैं, बढ़िया है, बिंदास्त है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं रीट के लिए। आ जाइए बच्चे, बिना टाइम की खोटी किए, बिना टाइम की खोटी किए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम की खोटी किए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो तैयार है आज के सेशन के लिए? तो चलिए बेटा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले जिस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं वो अपना टॉपिक कौन सा है बेटा? वो अपना टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। क्या टीचिंग मेथड्स अपना टॉपिक है? टीचिंग मेथड्स क्या है? अपना टॉपिक है। अब जल्दी से मुझे एक बार बता दे, जल्दी से मुझे एक बार बता दे, कल का हल्का सा मैं रिकैप दे देता हूं आपको, हल्का सा रिकैप दे देता हूं आपको। अगर टीचिंग मेथड में ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कि ओल्ड मेथड्स कौन से हैं और न्यू मेथड्स कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हां बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रुखसाना भाटी जी नमस्कार जी, रीना बानो नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, जय महाकाल। सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा ना। टीचिंग मेथड्स में दो टाइप के मैंने आपको बताए थे। ओहो, ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई साहब, क्या मामला ही क्या हो गया, गड़बड़ हो गया बेटा। यहां से देखिए, यहां से सबसे पहले कौन सा मेथड आया अपने पास? ओल्ड मेथड्स। कौन से आए बच्चे? ओल्ड मेथड्स अपने पास आता है, ठीक है। और ओल्ड मेथड्स में से अगर मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं, ये ओल्ड मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तो कल मैंने आपको जवाब दिया था, आज आप लोग मुझे जवाब देंगे। आज मैं जवाब नहीं देने वाला, आज मैं पूछू बेटा, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए न्यू मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स आए? न्यू मेथड्स आए यहां पर, ठीक है, न्यू मेथड्स आए यहां पर। तो न्यू मेथड्स जब यहां पर आए तो ये कौन कौन से हैं? आपके साथ क्वेश्चन ये निकल कर आ सकता है कि इनमें से न्यू मेथड कौन सा है, और आपके न्यू मेथड कौन सा है, और चार मेथड के नाम दे देगा, ठीक है जी। आप सर, आपकी क्लास स्टार्ट हुई कितने दिन हो गए? बेटा ये दूसरी क्लास है, उसका भी मैं रिकैप दे रहा हूँ। बिल्कुल सही जगह पर, आप बिल्कुल, आप एकदम सही जगह पर हैं, एकदम बिल्कुल सही जगह पर हैं। बस कोशिश करें बच्चे कि अपनी क्लास का टाइम 4 बजे का है तो बिल्कुल आप 4 बजे आ जाया करें। 3:58 पे तो लाइव हो जाओ, आप वहां पर बैठ जाओ कि सर आने वाले हैं और मैं बिल्कुल 4 बजे लाइव आ जाऊंगा आपके मोबाइल में, ठीक है, ताकि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। सर फर्स्ट क्लास है, चिंता ना करें पंकज यादव जी, हर एक चीज रिकैप दे दूंगा, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, जो पहले वाला प्लेटफॉर्म था वो हमारा क्विट हो चुका है, छोड़ दिया है उसको, यही आज से प्लेटफॉर्म होगा, सब कुछ यही होगा। आपका प्यार जो आपने दिया पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वैसा ही प्यार इसी के ऊपर देने की कोशिश करें। बिल्कुल आपका चैनल ही समझे इसे, जैसा आप कहेंगे वैसे स्टडी होगी बेटा, ठीक है। अब यहां से देखिए, ओल्ड मेथड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम आया अपना TCGM मेथड। कौन सा मेथड? TCGM मेथड। उसके बाद कौन सा आया बच्चे? डायरेक्ट मेथड। कौन सा आया? डायरेक्ट मेथड आया। कौन सा आया? डायरेक्ट मेथड आया। जैसे जैसे मैं बोलने के लिए कहूं ना वैसे वैसे तुम्हें बोलना है, और बोलोगे नहीं ना तो ऑनलाइन झावट पड़ेगी इधर से, ठीक है, जोर से। कौन सा है? TCGM मेथड। क्या? TCGM मेथड। फिर कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, बोलो जरा, डायरेक्ट मेथड। और यहां पर न्यू मेथड में कौन कौन से आते हैं? न्यू मेथड्स में आते हैं बेटा अपने, न्यू मेथड्स में आते हैं अपने कौन कौन से? सबसे पहले बाइलिंगुअल मेथड,
बाइलिंगुअल, क्या बाइलिंगुअल मेथड आता है, कौन सा आता है, बाइलिंगुअल मेथड आता है, ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड आता है। इसके बाद कौन सा आता है, डॉक्टर डॉक्टर वेस्ट मेथड, क्या डॉक्टर वेस्ट मेथड आता है, डॉक्टर वेस्ट मेथड आता है, आता है कि नहीं आता, बिल्कुल। इसके बाद कौन सा आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड भी इसे कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड भी इसे कहते हैं। आपको कई सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप पहली बार देखेंगे ना, कई सारी जानकारी ऐसी मिलेगी जो आप पहली बार देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो, यहां से देखो, ये दो मेथड, पांच मेथड हो गए, जिनमें से ये मेथड तो अपने कौन से मेथड हो गए, ये अपने ओल्ड मेथड्स हुए और ये अपने न्यू मेथड्स हुए। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि बाइलिंगुअल मेथड, ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये किसने दिया, क्या बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया, डॉक्टर वेस्ट मेथड किसने दिया पता होना चाहिए भाई साहब, और सब्स्टिट्यूशन मेथड किसने दिया यह आपको पता होना ही चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए कि यह मेथड किसने दिया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड किसने दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाए बेटा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, क्या फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात। चलिए जी शेयर कर लेते हैं वीडियो हम भी, ताकि आप भी शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए तो बढ़िया है बेटा, क्योंकि टाइम से आ जाएंगे तो उनका कुछ मैटर छूटेगा नहीं, वरना फिर कहेंगे सर मेरा तो ये रह गया वो रह गया, सारी बातें ही है, ठीक। अब यहां से बात समझ में आ गई, तो बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था, आपको पता हो तो ये मेथड किसने दिया था, सी जे डॉडसन, क्या सी जे डॉडसन, क्या नाम बताया मैंने, सी जे डॉडसन साहब ने ये मेथड दिया था, कौन सा दिया था भाई साहब, बिल्कुल सही है। ये किसने दिया था, डॉक्टर वेस्ट मेथड, इनके नाम भी वेस्ट ही था, इनके नाम से ही इस मेथड का नाम पड़ा हुआ है, और डॉक्टर वेस्ट ने, और ये सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड किसने दिया था, पाल्मर साहब ने दिया था, किसने दिया था, पाल्मर साहब ने दिया था। इसके बाद हमने चेक किया था, आगे हमने देखा था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हमने पढ़ने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो यहां से नंबर वन मेथड था अपना ट्रांसलेशन, क्या लिखा बेटा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, क्या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इस मेथड का नाम है, इस मेथड का नाम है, ठीक है। दूसरी बात, यहां से इसके कई सारे नाम मैंने आपको बताए थे, इंग्लिश की क्लास यहां भी 4 बजे, हाँ जी बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल सही बात है, एकदम टकाटक क्लास है, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम बेस्ट क्लास है, आप आराम से पढ़े, आराम से सीखे, हर एक चीज आपके दिमाग से होते हुए दिल तक जाएगी, ये वादा है मेरा कि जो चीज आपको मेथड में पढ़ाऊंगा बेटा, जैसे लास्ट टाइम बच्चों के मार्क्स आए थे कितने सर, 30 में से 28 नंबर आए थे, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो यहां से देखिए, ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड अगर ये हुआ, अब मैं आगे बताना चाहूंगा इसके सारे के सारे जो दूसरे नाम है वो क्या क्या है, क्योंकि नेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या नेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी को ही हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया टीसीजीएम मेथड, क्या टीसीजीएम मेथड दे दिया, शॉर्ट फॉर्म है बेटा, क्या है ये, शॉर्ट फॉर्म है टीसीजीएम मेथड। इसके बाद इसी मेथड का दूसरा नाम क्या हुआ, जीटी मेथड, कौन सा नाम हुआ बेटा, जीटी मेथड भी इसे ही कहते हैं। इसके बाद फिर इसे ही क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया क्लासिकल मेथड, क्या क्लासिकल मेथड, ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना, सारी चीजें बता दूंगा क्लियर करके सारी चीजें बता दूंगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और नाम दिया गया ट्रेडिशनल, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, कौन सा मेथड बेटा, ट्रेडिशनल मेथड, जोर से बोलो आप, जिसको आता है वो बोला करें, ट्रेडिशनल मेथड, ये कौन सा मेथड हो गया आपका, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, कौन सा हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया। फिर यहां पर ये कौन सा हो गया, ओल्डेस्ट मेथड हो गया, कौन सा मेथड हो गया बच्चे, ओल्डेस्ट मेथड हो गया, बात समझ में आ गई, बिल्कुल। फिर ये कौन सा मेथड हो गया, पर्सियन मेथड हो गया, कौन सा मेथड हो गया, पर्सियन मेथड हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। और बताइए, एक नाम बच गया, सी से शुरू होता है, जल्दी से बताइए, सी से शुरू होता है बेटा, सी से क्लासिकल मेथड आ गया। एक और नाम इसका, इसी को ही किस नाम से जाना जाता है, अननेचुरल मेथड, क्या अननेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा, अननेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, अननेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। अब बताओ एक और नाम था इसका, अरे तुम्हें इतने सारे नाम बता दूंगा ना, क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाने दूंगा, इतने सारे
नाम तो भाई साहब आपको बहुत कम कहीं कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रियंका का आंसर आया है, सीसोरियन। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश। अरे कॉपी में आपने नोट किया नहीं किया मुझे बताएं, एक बार मैं देख लेता हूँ आपके कमेंट थोड़े पास से कि क्या समस्या है और क्या समस्या नहीं है। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बेटा, बहुत बड़ी, बिल्कुल 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 सही बात है, एकदम सही आंसर। लो बेटा लो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये सारे के सारे मेथड आपके सामने आ गए सर। आपका आप कब रहा है, ऐप कब आ रहा है बेटा? अपना ऐप होगी लॉन्चिंग संडे को, संडे को बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये क्या हुआ अपने, ये सारे के सारे इसी मेथड के नाम है, ठीक है, इसी मेथड के नाम है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके एक्सपोनेंट्स खम्मा गणी नीतू कंवर जी, बहुत बढ़िया नीता कंवर जी। इसके एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है बेटा प्रवर्तक या प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक कौन कौन से थे, जो इसके मुख्य प्रतिपादक थे, जिन्होंने इसको फेवर किया, जिन्होंने बताया कि भाई साहब इस हिसाब से पढ़ाओ, तो जल्दी से बताओ। कल मैंने नाम बताया था, अब फिर भी तुम नहीं बताए तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का फेवर करने वाले कौन कौन से थे, किन किन लोगों ने कहा था, इसका फेवर किस किस ने किया था, इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे निकल के आ सकते हैं। बिल्कुल गॉट फ्राइड, बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल गॉट फ्राइड। ये पहला नाम नहीं था लेकिन ये लास्ट का नाम था जी बिल्कुल। अरे टाइम से आ जाए करे बेटा, टाइम से आ जाए। कार्ल प्लॉट्ज, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, कार्ल प्लॉट्ज। और जल्दी से सब कुछ तुम बताओगे क्योंकि मैंने कल बताया है तुम्हें। जोहान, जोहान सिडन, अरे रुक जाओ मार्कर गिर गया भाई साहब। ओहो हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कार्ल प्लॉट्ज हो गया बेटा, हो गया बिल्कुल बिल्कुल। जोहान सिडन, बहुत बढ़िया। और फिर एक नाम कौन सा है, जोहान मेडिंगर, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, जोहान मेडिंगर। अब बताओ, अरे इतना नॉलेज तुम्हें अगर किसी ऐप में भी मिल जाए तो मेरी गारंटी है बेटा, टीचिंग मेथड के मामले में, इंग्लिश के मामले में बेटा फुल कंटेंट है। अपना वो वाला सिस्टम नहीं है बेटा कि वहां पर ज्यादा यहाँ पे कम, नहीं, जितना पढ़ाऊंगा यहाँ पर भी यही पढ़ाऊंगा, ऐप पे भी यही पढ़ाऊंगा, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि है ही इतना ही, फिर ज्यादा कहां से आएगा। अब दूसरी बात ये आता है, एक क्वेश्चन यहां पर ये भी निकल के आ सकता है कि जो ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड था वो ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड सबसे पहले कहां पर आया, या फिर ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड का टाइम पीरियड क्या था। तो आप मुझे बताने की कोशिश करें कि इसका टाइम पीरियड क्या था, जल्दी से बताएं बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। चलिए चलिए जल्दी से, सपना यादव भी जुड़ चुके हैं, ये लेट आ रहे हैं ना, ये इनका आज खाना बंद करवा दूंगा, इनकी मम्मी को फोन करके बोलता हूं, ये बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए अभी ऑनलाइन झाबड़ मारूंगा। चुन्नू फटाफट आ जा इधर, चल चिकने फटाफट आ जा बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चुटकू मैया, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो, ये मेथड कब आया था बताओ, ये मेथड आया कब था, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का टाइम पीरियड क्या था, 16th सेंचुरी। संतोष जी रॉन्ग आंसर, 18th सेंचुरी, बहुत बढ़िया। पूजा शर्मा का करेक्ट आंसर आया है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कब आया सनम, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से आंसर कहां पर आया, जर्मनी में, चौधरी संजू का मेरे पास आया है जर्मनी आंसर, बहुत बढ़िया बात है। बस पिंका का आंसर आया है 18th सेंचुरी, तो याद रखना है बेटा, याद रखना है, क्या याद रखना है, जर्मनी, क्या याद रखना है, जर्मनी, और याद क्या रखना है, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, क्या 18वीं शताब्दी में आया था, कहां आया था, जर्मनी में आया था, जर्मनी पर्शिया जगह थी, इसीलिए देखो पर्शियन मेथड नाम पड़ा है इसका, बात समझ में आई, सबसे पुराना है इसलिए ओल्डेस्ट मेथड नाम पड़ा है इसका, आई बात समझ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये इसके प्रतिपादक थे, कौन थे ये इसके प्रतिपादक थे, बात समझ में आ गई यहां तक की। यहां से आगे चलने की कोशिश करता हूं, और 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी के अंदर जर्मनी के अंदर यह मेथड आया था भाई साहब, क्या जर्मनी के अंदर मेथड आया था ये। अब इसके बाद यहां पर आ जाओ, इसके बाद यहां पर देखो, इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या थी, इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या थी बेटा, वर्ड था, ठीक है। दूसरी बात करता हूं यहां से, दूसरी बात, इसके अंदर मेथड का नाम ही क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन, क्या नाम है बेटा इसका, ग्रामर, जीटी, जीटी का मतलब क्या होता है, ग्रामर, क्या होता है, जी का मतलब ग्रामर, और टी का मतलब क्या होता है?
होता है ट्रांसलेशन, तो मेथड का नाम ही क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ट्रांसलेशन किसका किया जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। जोर से बोलो जय माता दी, क्या जोर से बोलो जय माता दी। और आज क्लास जानी चाहिए बेटा सो पार, क्या आज क्लास जानी चाहिए सो पार। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, और पूछा गया क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर सेंटेंस माना था आरपीएससी ने। आरपीएससी ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, वर्ड टू वर्ड। और जब एक बार क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन क्वेश्चन से ही कौन सा माना गया था बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी करण सिंह जी, पहले वाला इंस्टीट्यूट हमने छोड़ दिया है, बिल्कुल आज से यही हमारी कर्म भूमि होगी और यहीं पर हम फतेह लड़ेंगे, जो भी है सब यहीं पर होंगे, और यहीं से एक एक वर्ड क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए। और बिल्कुल ऐप भी आपके लिए फ्री होगा, इसका एक बेस्ट इवेंट करने जा रहा हूं मैं संडे को। संडे के दिन पूरे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति होगी, जो ऐप भी फ्री में होगा, क्या ऐप भी फ्री में होगा, बहुत बढ़िया। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें किया जाता है, ठीक है, क्या ट्रांसलेशन किया जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें किया जाता है। अब मैं आगे की बात करता हूं, ठीक है, आगे की बात कर रहा हूं, जो ट्रांसलेशन किया जाता है वो ट्रांसलेशन कौन सी लैंग्वेज में किया जाएगा, तो ध्यान रखना है बेटा, ये इंग्लिश टू क्या, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सरकार जो इंग्लिश की किताब में जो इंग्लिश लिखी हुई आ रही है, क्या जो इंग्लिश की बुक में इंग्लिश लिखी हुई आ रही है, उसका ट्रांसलेशन किसमें किया जाएगा, हिंदी में, किसमें किया जाएगा, हिंदी में। और आपके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आपके पास क्वेश्चन ऐसा लॉलीपॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जीटी मेथड के अंदर ट्रांसलेशन कौन सी लैंग्वेज में किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, हिंदी लैंग्वेज में किया जाता है। तो यहां से देखो, ट्रांसलेशन कौन कौन सी लैंग्वेज में किया जा सकता है, ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में किया जा सकता है। पहली बात, मान लो ऑप्शन में हिंदी लिखा हुआ नहीं है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मदर टंग में ट्रांसलेशन किया जाता है, या फिर मैं यह लिख सकता हूं कि फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाता है, तो ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश की बुक में तो इंग्लिश ही लिखी हुई होगी ना, है ना, इंग्लिश की बुक में तो इंग्लिश ही लिखी हुई होगी मेरे भाई। लेकिन जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी कि ट्रांसलेशन करके सिखाया जाएगा, और मैं बताऊंगा कि यह मेथड फ्लॉप क्यों हुआ, यह भी बताऊंगा, बिल्कुल। माही जी नमस्कार, बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन किया गया, मदर टंग के अंदर ट्रांसलेशन किया गया, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन किया गया, इन सब का मामला एक ही है। दूसरी बार जो अपना ये टीसीजीएम मेथड था, अब पूरा बार बार बड़ा नहीं लिखूंगा ना मैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैसे लिखेंगे, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पढ़ रहे हो आप, मास्टर नहीं हो, फ्यूचर के, बहुत बढ़िया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, रुखसाना भाटी जी ये डिस्क्रिप्टिव नॉलेज ले पहले एक बार, इसके बाद में क्वेश्चन की क्लास में बता दूंगा कि किस टाइप से आएंगे। ये आप अच्छे से लिखना है, इसका पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप में जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूं आपके लिए, केवल मात्र कब, संडे को, तैयार रहना, ठीक है। तो टीसीजीएम मेथड, क्या टीसीजीएम मेथड के अंदर कौन सी लैंग्वेज को अवॉइड किया गया, तो ध्यान रखना है, याद रखना है, अवॉइड किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज को अवॉइड, क्योंकि ट्रांसलेशन किसमें करवाया जा रहा था, हिंदी में। तो बच्चे को सीख, जब बच्चा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो सीखेगा क्या, वो हिंदी ही सीख रहा है, वो इंग्लिश कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो यहां पर अवॉइड कर दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी इंग्लिश का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। दूसरी बात, यहां से ही क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि इंग्लिश की जगह आपको नाम मिल सकता है सेकंड लैंग्वेज को अवॉइड कर दिया गया, या फिर यह भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है कि टारगेट लैंग्वेज को अवॉइड कर दिया गया मेरे बच्चे, क्या दोस्तों, टारगेट लैंग्वेज को अवॉइड कर दिया गया, चुटकुमिया, बात समझ में आ गई। तो अब दूसरी चीज, Insist on का मतलब होता है जोर देना, क्या होता है इसका मतलब, जोर देना। ये कह रहा है कि किस चीज के ऊपर जोर देना, कौन सी लैंग्वेज पे जोर दिया गया, तो यहां से माँ तुझे सलाम, याद रखना है यहां से। अरे विक्रम, ये पीछे वाले मोहल्ले से लड़की बहुत बात कर रही है भाई, ये बहुत बात कर रही है, स्पीड कम रखो, लिख नहीं पा रहे हैं। पंकज यादव जी, लिखने की जरूरत नहीं है, अरे लिखेंगे तो फिर क्या मतलब निकला, अरे लिखने की नीड नहीं है, ये सुंदर सुंदर तस्वीर
तस्वीर आप तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। ध्यान से मोबाइल को सामने रखो, मोबाइल में ईयरफोन लगाओ, हल्का सा रखो, एक पेन हाथ में रखो, एक नोटबुक हाथ में रखो, कोई लगे आपके कि एक दो लखीटे करने हैं तो कर लो, बाकी ध्यान से सुनो इनको। ये सब मैं लिखा हुआ आपको दे दूंगा, घबराने की बात नहीं है, मैं सब कुछ दे दूंगा, ऐप तक मैं दे दूंगा। मैं आपको आ रहा हूं ना संडे को खतरनाक इवेंट करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति रवि आचार्य सर का आगाज होने जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं बैठा हूं ना यहां पर, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर देना। और जो लेट आते हैं उनसे मैं बात नहीं करता, सपना जी एग्जैक्ट टाइम पे आया करे। और जो लेट आते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते लेट आने वाले, एग्जैक्ट टाइम पे आए। कौन से टाइम पे? एग्जैक्ट टाइम पे आए, तब तो बात बनेगी बेटा। इंसिस्ट ऑन जोर दिया जाता है, कौन सी लैंग्वेज पे जोर दिया जाता है? तो यहां से हिंदी के ऊपर जोर दिया गया, इस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में हिंदी पे जोर दिया गया, क्योंकि ट्रांसलेशन किस में किया गया? ट्रांसलेशन किया गया आपके कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में। दूसरी बात, इसी को ही मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? मदर टंग के ऊपर जोर दिया गया, या फिर इसी को मैं कह सकता हूं फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया। क्या? फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया। बात समझ में आ गई? फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया। यह बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दे बेटा। बहुत बढ़िया। और आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो स्टूडेंट जो मुझे ढूंढ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को आप ये बात बता दे कि रवि आचार्य सब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। क्या बेटा? एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। क्या? अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहां से ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई बच्चे? कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंप्लीट हो गई। यहां तक रेडी हो गया काम? रेडी हो गया काम? अब आ जाओ भाई आगे, अब आ जाओ यहां पर। अब बात आती है सर, जो ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था, इस मेथड के अंदर ग्रामर भी तो पढ़ाई जाती थी। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल ठीक है, ग्रामर पढ़ाई जाती थी, तो सर आप ये नहीं बताए। मैंने कहा क्या नहीं बताए? सर आपने ये नहीं बताया कौन से मेथड से पढ़ाई जाती थी। मैंने कहा भाई साहब डिडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती थी। कौन से मेथड से बच्चे? डिडक्टिव मेथड से ग्रामर पढ़ाई जाती है। किसमें पढ़ाई जाती है डिडक्टिव मेथड से ग्रामर? जोर से बोलो, जय माता दी ने, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। ठीक है, बात आई समझ, हर एक चीज समझ में आनी है। सर डिडक्टिव मेथड क्या होता है तो बता देता हूं। डिडक्टिव मेथड होता है जिसके अंदर टीचर पहले रूल करवाता है, उसके बाद में एग्जांपल देता है। क्या? उसके बाद में क्या देता है? एग्जांपल देता है। बात समझ में आ गई यहां पर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले क्या देता है? रूल लिखवाता है, उसके बाद में क्या देता है? एग्जांपल देता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, इसका सबसे बड़ा फायदा किसमें है? क्राउडेड क्लासरूम में। क्राउडेड क्लासरूम में ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब सुनना, यहां से एक समझने की बारी है बेटा। मैंने यहां पे लिखा है क्राउडेड क्लासरूम। क्या लिखा है? क्राउडेड क्लासरूम। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना बच्चे ना, एक बड़ा ही बेहतर चीज बताऊंगा यहां पर, शानदार सी, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा। ठीक है, मैं तेज नहीं बोलूंगा। अब क्यों नहीं बोलूंगा मैं तेज? क्योंकि यहां धीरे बोलना जरूरी है। क्या? धीरे बोलना जरूरी है यहां पर। अब मेरी बात सुनो बेटा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्राउडेड क्लासरूम में या ओवर क्राउडेड क्लासरूम में, लिख सकता हूं मैं ये भी, है ना, ओवर क्राउडेड क्लासरूम और ओवर क्राउडेड क्लासरूम बोल रहा है, ये लो, ओवर क्राउडेड क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया है ये मेथड, ये बेस्ट मेथड है। इसका कारण क्या है? पूछोगे नहीं पूछो तब भी बताऊंगा। इधर आओ बेटा, मान लीजिए ये एक क्लासरूम है। ठीक है, इस क्लासरूम के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं? इस क्लासरूम के अंदर ये बच्चे बैठे हैं कितने? 70 बच्चे। क्या? 70, 70 बच्चे बैठे हुए हैं बेटा। कितने बच्चे बैठे हुए हैं इसमें? 70। या फिर मान लीजिए इसमें 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इसमें? 100 बच्चे। अब मेरी बात समझना, टोटल बच्चे कितना हुआ इसमें? 100 बच्चा इसके अंदर है, 100 बच्चा इसके अंदर बैठा है। जी बिल्कुल 100 बच्चा यहां पर बैठा हुआ है बेटा ना, 100 बच्चा यहां पर बैठा हुआ है। अब मास्टर जी कहां है? मास्टर जी ये रहे बेटा ना, मास्टर जी ये रहे। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, ये मास्टर जी है। अब यहां से एक कमाल की बात समझना बेटा ना, बिल्कुल ये क्या है? मास्टर जी है, शानदार वाली मास्टर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनो कि ये जो मास्टर नहीं है, ये जो मास्टर है, ये मास्टर इनको पढ़ाएगा। अब एक बात सोचो, अगर इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाती है तो क्या क्लासरूम के अंदर पढ़ा पाएगी?
इंग्लिश लैंग्वेज में अगर ये पढ़ाती है तो क्या क्लासरूम के अंदर ये पढ़ा पाएगी? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो इन बच्चों के इंग्लिश वैसे ही समझ में नहीं आएगी, एक तो वैसे ही समझ में नहीं आएगी, और ऊपर से अगर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएगी बेटा तो केवल मात्र ये जो टीचर है ये आगे के 4-5 स्टूडेंट तक ही नजर रख पाएगी, और ये बाकी का जो मामला है इनके तो समझ में ही नहीं आ रहा, इनके तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैडम बोल क्या रही है। और जब समझ में ही नहीं आएगा ना इनके, और जब इनके समझ ही नहीं आएगा तो इसका मतलब ये तो बातें करेंगे। तो भाई साहब यहां पर कम से कम अगर हिंदी में बोलेगी, अगर यहां पर मातृभाषा में पढ़ाएगी, मदर टंग में पढ़ाएगी या फिर फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ाए, कौन सी में पढ़ाए, फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ाए, या फिर मैं इन्हीं का साफ साफ नाम लिख दूं कि हिंदी में पढ़ाए, तो हिंदी में पढ़ाए तो कम से कम सारे के सारे बच्चे समझ तो जाएंगे ना कि मैडम बोलना क्या चाह रही है, क्योंकि हिंदी को समझता तो है ना। तो बेटा जब हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो जब बहुत ज्यादा बच्चे बैठे रहते हैं तो हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में पढ़ाया जाता है, तो अच्छे से वो जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर बैठे वो समझ जाते हैं कि मामला क्या है, और जब वो समझ जाते हैं तो मामला बिल्कुल टकाटक है। इसलिए ओवरक्राउडेड क्लासरूम के अंदर ये आराम से मस्त तरीके से चलता है ये सिस्टम, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो थम के निशान जल्दी से थम के निशान सेंड कर दो। यहां तक की बात बेटा आज की वॉचिंग 100 होनी थी, धोखा दिया है आपने, और धोखेबाज लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धोखा दिया है आपने, मुझे समझ में आ गई सारी बात। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से बताए, शाबाश बेटा, शाबाश। चलो जी चलो, बहुत अच्छी बात है। यहां से चलो अब जल्दी से करते हैं आगे कवर बेटा, अब जल्दी से कवर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। ओहो हो हो, कतई जहर। चलो जी, चलिए आगे बढ़े। सर आज सेकंड क्लास है क्या? बिल्कुल आज सेकंड क्लास है, हर एक चीज आपके साथ आज ही होगी, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, बिल्कुल घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलो जी। नहीं दिया सर, बेवफाई कर दी सर क्लास चिल्ड्रन में। बहुत बढ़िया, आ जाओ आनंद की अनुभूति कराता हूं, फटाफट इधर आ जाओ। सीएलटी मेथड कब स्टार्ट करोगे? जल्दी स्टार्ट करूंगा, चिंता मत करो आप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ये जो मेथड है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर जो मेथड है, ये मेथड बेटा सब मिल जाएगी, पीडीएफ सबको दे दूंगा, शांति से पढ़ लो बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से। सब मेरी जिम्मेदारी है, हर एक के पहुंचाऊंगा, हर एक के पास पीडीएफ पहुंचाने की जिम्मेदारी रवि आचार्य की है, और जब तक सांस नहीं लूंगा जब तक तुम्हारे पास पूरा कंटेंट नहीं पहुंचा दूंगा। अब संतुष्टि हुई, बहुत बढ़िया। तो यहां से देखो, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है, इस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के लिए ये ओवरक्राउडेड क्लासरूम में अच्छा है। ओवरक्राउडेड क्लासरूम के अंदर ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहां पर देखें, अगर टीचर जो होता है वो अब देखना यहां पर, अगर टीचर होता है तो टीचर का इससे क्या बचता है? लेबर का मतलब क्या होता है? परिश्रम। टीचर को परिश्रम क्या होता है? सेव होता है। सेव का मतलब क्या होता है? बचना। टीचर का क्या बचता है बेटा? टीचर का यहां पर परिश्रम बचता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी में पढ़ाएगा तो चीजें जल्दी समझ में आएगी स्टूडेंट्स के। अब वो अगर जल्दी जल्दी बोलेगा या इंग्लिश में समझाएगा तो फिर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा समझाने में, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में जल्दी समझ जाते हैं, और जल्दी सीख लेते हैं। इसीलिए टीचर का परिश्रम बचता है। दूसरी बात, नो एक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं है, मतलब ये मेथड महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, ये चीफ है, सस्ता है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, या फिर मैं कहूं कि मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। जब मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, आना बेटा, जब मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो फिर बेटा एक बात बताओ, ऑडियो लिंगुअल जो भी मेटेरियल है, जो पढ़ाने TLM है,
TLM जो होता है, जी हाँ बिल्कुल, टीचिंग TLM जो होता है, टीचिंग मटेरियल जो होता है, लर्निंग मटेरियल। यहां से देखो जो TLM होता है, TLM होता है मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हिंदी में तो बच्चा आराम से सीख जाएगा ना, तो हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की नीड नहीं होगी। और जब हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की नीड नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये सस्ता है बेटा। क्या ये सस्ता है? इसमें कोई मामला गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां से एक इंपॉर्टेंट देखो, यहां पर बुक्स क्या लिखा हुआ है बेटा, बुक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या? एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बढ़िया शाबाश। रोल यहां पे लिखा हुआ है कि जो किताबें होती है वो किताबें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। क्वेश्चन किया अली सर, बिल्कुल सब बता देंगे यार, पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, सब बता दूंगा मैं, चिंता मत करो। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बुक्स प्लेज एन वाइटल रोल या इंपॉर्टेंट रोल, क्यों? क्योंकि किताब तो जरूरी होती है। हमने जब पढ़ा था, आपने जब 10th 12th में पढ़ा होगा, तो आपके टीचर के पास बुक होती थी ना, वो चेयर पे बैठा रहता था और वो वहां से बोलता रहता था, हम यहां पर देखते रहते थे कि मामला कहां सेट हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई सभी के? तो जल्दी से थम के निशान, जल्दी से। अरे निशा चारण जी, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बता दूंगा, संडे के दिन एक मैराथन ले लेंगे, उसमें सब समझा देंगे, घबराए नहीं, आप सब बता दूंगा, फिलहाल थ्योरी पे ध्यान दे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहां पर। बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां तक की बात ठीक है, ठीक है बेटा, बेटा बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में ले सर, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज? बेटा इंग्लिश आपको सेकंड लैंग्वेज में लेना है। कौन सी लैंग्वेज में लेना है? सेकंड लैंग्वेज में लेना है इंग्लिश, इस बात का ध्यान रखना है सभी को। सभी के समझ में आ गई? अब आगे आ जाओ बेटा येलो। अब यहां से देखो आगे की कहानी, अब आगे की कहानी शुरू कर देते हैं अपन। अब आगे की कहानी में कौन कौन सी चीजें आएगी जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बुक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, किताबें इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करती है क्योंकि किताबें ही टीचर पढ़ाता है बेटा। दूसरी बात जो ये TCGM मेथड है, ये TCGM मेथड क्या है? ये TCGM मेथड टीचर सेंटर्ड है। क्या है बेटा? ये टीचर सेंटर्ड है। बहुत बढ़िया ठीक है, टीचर सेंटर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें टीचर का रोल ज्यादा होता है बेटा ना, टीचर का रोल ज्यादा होता है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी का कहना है सर रीट को लेकर सिलेबस है, वो आप टाइम से अगेन पढ़ाओगे या सुबह 7:20 या 6 बजे वाली क्लास में? तो ये चल रही है ना रीट की क्लास बच्चे, ठीक है। ऑफलाइन में किसी पे मैसेज कर देना या फिर मैं आपको बता दूंगा सारा सिस्टम, वो चिंता मत करो। टीचर सेंटर्ड, ये टीचर सेंटर्ड है और ध्यान रखना है यहां पर टीचर सेंटर्ड है। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखनी है। अब कौन सी बात ध्यान रखनी है बताता हूं मैं, मेरे पास सारी चीजें हैं तुम्हें बताने के लिए कि कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, ये जो मेथड है ना वो नो साइकोलॉजिकल बेस, ये साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, और इसके बाद देखो ये फिलोसॉफिकल बेस है। ये कहा जाए तो नो साइकोलॉजिकल बेस या फिर फिलोसॉफिकल, क्या? फिलोसॉफिकल बेस है बेटा, ये फिलोसॉफिकल बेस है। ये मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड नो साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, ये फिलोसॉफिकल बेस है। क्या? फिलोसॉफिकल बेस है। दूसरी चीज बताओ, इसमें एक्टिव पार्ट किसका होता है? आप बताएंगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। बताओ इसमें टीचर का पार्ट एक्टिव होता है या फिर स्टूडेंट का पार्ट एक्टिव होता है? बताओ, जल्दी से बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेटा, बेहतरीन। हर एक चीज एप पे सब पूछ दे दूंगा, ये PDF, तुम बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल भी नहीं घबराना, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है।
बहुत बढ़िया। तो एक्टिव पार्ट किसका है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ एक्टिव पार्ट किसका है। तो बेटा एक्टिव पार्ट किसका होगा इसमें, टीचर का एक्टिव पार्ट होगा ये आंसर होगा, स्टूडेंट का एक्टिव पार्ट नहीं होता है इसमें। क्योंकि क्योंकि अगर स्टूडेंट का एक्टिव पार्ट होता ना तो ये साइकोलॉजिकल बेस होता, साइकोलॉजिकल बेस होता। क्योंकि ऐसा मेथड जिसमें टीचर का सॉरी स्टूडेंट एक्टिव पार्ट में रहता है वही साइकोलॉजिकल बेस होता है। क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुराने जितने भी मेरे इंस्टीट्यूट थे वो सब मैंने छोड़ दिया है, और बेटा एडुपत आचार्य क्लासेस मेरी ज्वाइनिंग हुई है, नई ज्वाइनिंग यहीं पे ही हुई है, बिल्कुल बेटा। और आपके टीचर को यहां का मैनेजर भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारा देख रहे अब की बार सारा सिस्टम अपने हाथ में है। स्टूडेंट अपनी जो टीचिंग होगी, हमारी जो टीचिंग होगी वो स्टूडेंट बेस होगी, यानी साइकोलॉजिकल बेस होगी। क्योंकि जो स्टूडेंट बेस टीचिंग होती है उसे ही साइकोलॉजिकल बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? साइकोलॉजिकल बेस कहते हैं। तो एक्टिव पार्ट तो इसका है, और स्टूडेंट का पार्ट कैसा होता है? पैसिव पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? पैसिव पार्ट स्टूडेंट का होता है इसमें। कौन सा पार्ट होता है बेटा? पैसिव पार्ट स्टूडेंट्स होता है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात ध्यान से सुने, ये मेथड किस बात पे बल देता है? ट्रांसलेशन पे बल देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अगर यह ट्रांसलेशन पे बल देता है तो इसके अंदर ट्रांसलेट करने की कौन सी, देखो ट्रांसलेट करने की आर्ट डेवलप होती है स्टूडेंट में। ओहो हो, क्या हो गया? चलो जी चलो इधर आओ। ट्रांसलेट करने की आर्ट, आर्ट यानी कला डेवलप होती है, डेवलप। एक सेकंड रुके तो चलो जी, डेवलप होती है, ट्रांसलेट करने की आर्ट डेवलप होती है इसमें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब मैं यहां पर चलता हूं वोकैबुलरी को लेकर ना, इसके मामले में क्या कहना है? वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज होती है, या फिर क्या होती है? हाइक होती है, मतलब बढ़ती है। किसी भी वोकैबुलरी क्यों बढ़ती है? कारण है बेटा क्यों है? क्योंकि अपने को याद करो जब टीचर हमें पढ़ाता था तो हमें क्या कहता था? ये 10 वर्ड मीनिंग लिख के आना है, कल मैं वर्ड मीनिंग सुनूंगा। फिर अपने से वो पूछता था काइट की स्पेलिंग बता, काइट का मतलब क्या होता है ये बता। फिर वो पूछे था कंफर्टेबल की स्पेलिंग बता, कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है ये बता। तो कई सारी चीजें वो अपने से पूछा करता था। जी बिल्कुल, शैलजा शर्मा जी बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं आप, क्लास कर दी क्या रेट के लिए? बिल्कुल यार, दूसरी क्लास में अजय सर जिस महफिल कराया हमको, जी बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सपोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों का जो ये प्यार है, बिल्कुल आप लोग धन्यवाद के पात्र है। लेकिन बेटा जिस ईमानदारी के साथ आपने मेरे पे भरोसा जताया है, मैं वादा करता हूं कि ये ईमानदारी, ये ऑनेस्टी लास्ट तक आपके साथ रखूंगा। जैसे पिछले रीट में काम किया था वैसा ही काम इस रीट में किया होगा। जो आपके महातांडव, जो तांडव होते थे वो यहां पर भी होंगे, ऐसे के ऐसे ही होंगे बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। चलिए जी, शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहां पे इंक्रीज हाइक, लेकिन कौन सी वोकैबुलरी सेपरेट वर्ड मीनिंग बढ़ता है इसमें? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटेंस बनाना तो सिखाता ही नहीं है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये तो केवल तुम्हें मीनिंग पूछ लेगा, वर्ड मीनिंग पूछ लेगा, बता भाई कंफर्टेबल का मतलब क्या है, बता एप्पल का मतलब क्या है, बता इसका मतलब क्या था। बिल्कुल, आज सेकंड क्लास है, उसमें भी रिकैप दे रहा हूं, चिंता ना करें, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसको आप दोबारा से देखेंगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो सेपरेट मीनिंग या इसी को ही आइसोलेटेड वोकैबुलरी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आइसोलेटेड वोकैबुलरी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसमें बात समझ में आई यहां का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेटफॉर्म चेंज मत करना। देखो मदन पाल जी, कोई भी प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ कारण कुछ इश्यूज शायद रह जाते हैं, इसीलिए चेंज करना पड़ता है। ना हमारी गलती ना उनकी गलती, शायद कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं इस वजह से जगह चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, और मेरा ख्याल इतना सा है कि बेटा आपका लक्ष्य होना चाहिए केवल नौकरी लगना, और आपका लक्ष्य होना चाहिए नौकरी लगना, और आपका साथ मैं दूंगा, यह मेरा वादा है आपसे, पक्की गारंटी है, चाहे से आप किसी भी तरह के से रहे।
मैं आपको जहां पे भी रहूंगा कंप्लीट सिलेबस करवा के रिवीजन करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मैराथन लेना पड़ जाए, ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरी आपसे क्या है बच्चे गारंटी है, आप चिंता ना करें। इसके बाद चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात देखो, यहां पर LSRW, तो बेटा इसने ज्यादातर किस पे दम दिया, इसने केवल राइटिंग पे दम दिया है और स्पीकिंग को तो इसने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। स्पीकिंग को तो इसने क्या कर दिया, बिल्कुल ही क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया था इस मेथड ने। बोलना तो है ही नहीं बेटा। तो पूछा जा सकता है कि LSRW में से कौन सी ऐसी क्या थी आपकी, कौन सी ऐसी लैंग्वेज स्किल थी जिसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया था, तो बेटा यहां पर बिल्कुल अवॉइड स्पीकिंग को कर दिया गया था। नो से जी बिल्कुल यहां पर देख लो, 9 PM से क्लास शुरू होती है मेरी, ग्रेड सेकंड की क्लास शुरू होती है 9 बजे से 10 बजे तक इंग्लिश की। काहे की क्लास है बेटा, इंग्लिश की क्लास है। बात समझ में आ गई। और अगर कोई नए बच्चे आए हैं तो वो भी ध्यान दे ले, मेरी वोकैब की क्लास होती है आप सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। वोकैबुलरी 6:20 से 6:50 तक AM सुबह मॉर्निंग में होती है, मॉर्निंग में मेरी क्लास होती है 6:20 से लेकर 6:50। और एक शानदार वाली बात ध्यान से सुने बेटा, जस्ट मेरे बाद फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी की क्लास होती है सुपर डुपर क्लास। क्या सुपर डुपर क्लास होती है? डॉक्टर ताराचंद सेन के द्वारा, अच्छे क्वालिफाइड टीचर है जिनका PhD कंप्लीट हो चुका है, हिंदी की बारीकियों का ज्ञान उनके पास है, फर्स्ट लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, और अगर सेकंड ग्रेड भी अगर कोई कर रहा है हिंदी से, उसके लिए भी यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है बेटा। तो मिस्टर ताराचंद सेन, डॉक्टर ताराचंद सेन आपके लिए हिंदी की क्लास जस्ट मेरे बाद में लेंगे, एक जबरदस्त क्लास होगी, पढ़कर जब आप देखेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा, उनके मुख से जब आप हिंदी के वर्ड सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब कतई जहर, मजा आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। जैसे पिंका जी ने पढ़ा हुआ है बेटा, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा तरकीब है, बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल शाबाश बेटा, लेकिन उनको चांस नहीं मिला है, तो ये भी उनमें से एक है बेटा। ऑफलाइन के बैच इनके 1500 के, हजार के बैच जब चलते हैं बेटा तो जबरदस्त भरे रहते हैं, बिल्कुल इस बात का ध्यान दे। ऑनलाइन या ऑफलाइन के जबरदस्त फैकल्टी है बेटा, जयपुर की एक ऐसी फैकल्टी जिसके एक ही बैच में बेटा 400-500, संडे के मैराथन में बेटा सेमिनार में हजार बच्चों का सेमिनार हो जाता है। तो इसलिए तैयार रहे आप ऑनलाइन के लिए और लुफ्त उठाए हिंदी के जबरदस्त सेशन को लेकर। क्या जबरदस्त सेशन को लेकर, और जब जॉब लग जाए ना तो कट्टावर मिठाई के लिया ना, क्या कट्टावर मिठाई का लिया ना, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब फैकल्टी बहुत है यहां पर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यहां से आ जाओ, नया मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। क्या डायरेक्ट मेथड है बेटा, कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले तो ये देखो, जो अपना डायरेक्ट मेथड था ये क्यों आया, डायरेक्ट मेथड क्यों आया, जो आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था इस मेथड की पार नहीं पड़ी और बच्चे अंग्रेजी सीख ही नहीं पाए इस मेथड से। जब बच्चे इस मेथड से अंग्रेजी सीख नहीं पाए तो इसी के रिएक्शन में एक मेथड आया और उस मेथड का नाम क्या दे दिया गया, उस मेथड का नाम डायरेक्ट मेथड दे दिया गया बेटा। क्या डायरेक्ट मेथड इसका नाम दे दिया गया। इसका मतलब इस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के जो ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है बेटा कमियां। इस मेथड की जो कमियां थी उन कमियों को कंप्लीट काय में किया गया, डायरेक्ट मेथड में क्या किया गया, कमियों को कंप्लीट किया गया। क्या बच्चे, कमियों को कंप्लीट किया गया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया, कतई जहर, शाबाश बेटा। हिंदी वाले टीचर का ये तो बेटा सबसे बेस्ट क्लास इस चैनल की बेटा हिंदी की क्लास है, बहुत क्वालिफाइड टीचर है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल आप मन लगा के पढ़े, उनसे आप कुछ भी पूछ ले बेटा, कभी भी नींदों में भी सबके जवाब पॉजिटिव मिलेंगे। क्या सबके जवाब पॉजिटिव मिलेंगे, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ लिया तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में कुछ कमियां रह गई थी, तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इसके रिएक्शन में एक मेथड आया जिसे डायरेक्ट मेथड का नाम दिया गया। अब डायरेक्ट मेथड, अब यहां से देखो,
यहां पे लिखा मैंने डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड जो था वो डायरेक्ट मेथड के भी नाम है, कौन कौन से दूसरे नामों से जाना जाता है बेटा, बताइए जल्दी से उपनाम बताओ बेटा इसका। सबसे पहले नेचुरल मेथड, इसे किस नाम से जाना गया? इसे नेचुरल मेथड के नाम से जाना गया। कौन से नाम से? इस चैनल के टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एडुपत आचार्य क्लासेस। जी बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल लिख देता हूं मैं आपके सामने, टेलीग्राम बेटा, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या नाम इसका? एडुपत। क्या लिखा हुआ है? एडुपत आचार्य क्लासेस। क्या? एडुपत आचार्य आचार्य क्लासेस, ये आपका टेलीग्राम का नाम है, एडुपत आचार्य क्लासेस। बात समझ में आ गई अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो नेचुरल मेथड इसका नाम है। फिर कौन सा नाम है? रिफॉर्म्ड मेथड। क्या? रिफॉर्म्ड मेथड। इसे रिफॉर्म्ड मेथड क्यों कहा गया? क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को रिफॉर्म किया गया, मतलब जो भी कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताए, जल्दी से कमेंट कर दे, सभी सभी अपने अपने कमेंट सेंड कर दे बेटा। मधु जी का, मंजू जी का मेरे पास कमेंट आया, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। शाबाश बच्चे, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं बेटा, इसके कई सारे और नामों से जाने जाते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा साइकोलॉजिकल मेथड भी इसे ही कहेंगे। और एक एक आपके एक शिक्षाविद थे जिन्होंने इस मेथड की तरफदारी करी, जिन्होंने कहा कि भाई साहब ये मेथड कतई जहर है, तो जब कतई जहर है तो उन्होंने उसी के नाम से मेथड पड़ गया, बर्लिट्ज मेथड। किस नाम से जाना गया इसे? बर्लिट्ज मेथड। किस नाम से जाना गया बेटा? बर्लिट्ज मेथड के नाम से जाना गया। और अगर मैं इसका नाम बताने की कोशिश करूं, एक और नाम देख लो, फनेटिक मेथड। क्या? फनेटिक मेथड। इसे किस नाम से भी जानते हैं? फनेटिक मेथड। अरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ये भी है क्या? आप ऐसे सोचोगे सर ये इतनी इतनी सारी नॉलेज कहां से आ गई, कहां से आ गई? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, डाउट टेलीग्राम पे हो क्या? जी बिल्कुल, ये क्या लिखा हुआ है सर, आप इंग्लिश डाउट टेलीग्राम पे हो? बिल्कुल वो भी हो बेटा, वो मेरा पर्सनल चैनल है और एडुपत आचार्य क्लासेस इस संस्था का चैनल है। ठीक है, इस संस्था का चैनल है। चलो जी, तो बात समझ में आ गई यहां तक की? कोई समस्या? बहुत बढ़िया। लिटरेरी पार्ट करवा देंगे यार, घबरा मत, है ना। फिर देखो एक मेथड और, देखो और बता देता हूं इनके नाम, घबरा मत। फोनिक मेथड क्या आ जाता है? फोनिक मेथड भी आ जाता है। ठीक है, यहां पर ई करो बेटा, कौन सा मेथड आ जाता है? फोनिक। कौन सा? फोनिक। ओहो हो, ठीक है, तो फोनिक मेथड भी आ जाता है। ठीक है, फोनिक मेथड भी आ जाता है। अब एक चलो एकदम 100+ की ओर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अरे आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जो आप सोच नहीं पाओगे बेटा। फिर इसका एक नाम और देखो, आपने पहली बार सुना होगा, बताना किस किस का सुना हुआ है। एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी इसे ही कहते हैं। अब बताओ ये नाम किसका सुना हुआ था? अरे भाई पता ही नहीं है लोग बागों को बेटा, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, हर बुक को सोचने और समझने के बाद ये आपके सामने रख रहा हूं मैं, इस बात का ध्यान देना, काफी सारी स्टडी के बाद में। बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा। और एक काम की बात और सुनो, सेकेंड ग्रेड की अपनी मार्केट में बुक आने वाली है जल्दी ही बेटा, इंग्लिश की टीचिंग मेथड की, रीट की, सेकेंड ग्रेड की स्पेशल बुक आने वाली है, LDC की, ग्राम सेवक की, हर डिपार्टमेंट की। जी बिल्कुल, बुक आने वाली है बेटा। मेरा चैनल कोई सा भी नहीं है, है ना, ये एडुपत आचार्य क्लासेस इसे आप अपना ही माने, क्योंकि बेटा जिस 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 पे मैं काम करता हूं वही चैनल मेरा होता है, और मैं जहां काम करता हूं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूं, अपना मानकर काम करता हूं, इसलिए बेटा मैं हर जगह मालिक होता हूं, इसीलिए मैं हर जगह मालिक समझ के काम करता हूं। जहां पे भी काम किया सब कुछ अपना मानकर दिन रात एक करते हुए काम किया, न रातों के टाइम देखा बेटा, दो दो तीन तीन बजे तक क्लास लिए, सुबह के 2:03 4 बजे शाम से शुरू होकर सुबह के 4 बज जाते जब तक मैंने क्लासें लिए। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जहां काम करते हैं अपना समझ के काम करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है बेटा। बहुत बढ़िया। चंदा शर्मा जी रेगुलर रहा करें, और टेलीग्राम बता दीजिए, ये रहा टेलीग्राम, एडुपत आचार्य क्लासेस। जी हाँ बिल्कुल, PDF आपको मिल जाएगी, ऐप पर सारी PDF दूंगा, फ्री में दूंगा, आप घबराए नहीं। संडे को आ जाना बेटा, संडे को ऐप की लॉन्चिंग होगी, कैसे करना है, क्या लेना है, कैसे जुगाड़ बिठाना है, और तुम्हें कहां पर
कौन सी चीज मिलने वाली है सारी बातें करूंगा संडे को। याद रखना संडे को शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सर, आपको मानते हैं। रामकिशोर प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस बेटा इतना सा आपसे इतना सा निवेदन है कि क्लास को आप 100 पार कराने में हेल्प करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर करें, पुराने सभी स्टूडेंट से बताए, क्योंकि बेटा उनको छोड़ के मैं यहां आ गया हूं तो वो ढूंढ रहे हैं मुझे कि कहां पर है रवि आचार्य सर। बेटा उनको कोई बताने वाला नहीं होगा, पर आप ये बताए जाकर उनको कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल अपेक्स, बिल्कुल आलोक सर नमस्कार जी, बिल्कुल वेलकम वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस मेरे दोस्त, सभी का स्वागत है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से बढ़े आप आगे की तरफ। आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये इसके नाम है, नाम नहीं भाई उपनाम है। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के साथ साथ रिफॉर्म्ड मेथड। रिफॉर्म्ड मेथड के साथ साथ फनेटिक मेथड। फनेटिक मेथड के साथ साथ फोनिक मेथड। और कौन सा मेथड? साइकोलॉजिकल मेथड। और कौन सा मेथड? बर्लिट्ज मेथड। अब सुनो, याद करवाता हूं इधर देखो। नेचुरल मेथड, इसने कहा कि इंग्लिश नेचुरल तरीके से सिखाओ। भाई नेचुरल तरीके से कैसे? हिंदी सीखने गए थे तो क्या हिंदी स्पोकन की क्लास ज्वाइन करी थी क्या? नहीं करी थी ना, तो फिर इसमें क्यों कर रहे हो बेटा? इसमें भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नेचुरल तरीके से सीखो, जिस तरह से एनवायरमेंट में हिंदी सीख गए। कैसे सीखे? सुन सुनकर आपने हिंदी सीख ली, वैसे बेटा नेचुरल तरीके से इंग्लिश सीखो। फालतू का फोबिया मत बनाओ कि इंग्लिश सीखना है, आएगी ही नहीं। ये दिल बड़ा खतरनाक होता है, इसको एक बार बोल दिया ना कि बेटा डर जा तो डर जा। ये शकुंतला मीणा पीछे, भाई साहब इतने मैसेज इंस्टाग्राम पे कि सर क्लास कब है, क्लास कब है, क्लास कब है। और जब क्लास लग गई तो आज खत्म होने के टाइम पे आए, हद हो गई। एग्जैक्ट टाइम है 4 बजे का, सब 4 बजे आ जाना, वरना फोन करके बोल दूंगा तुम्हारी मम्मी से कि ये छोर छोरी पढ़ नहीं रहा, इसका खाना बंद कर दो। क्या? इसका खाना बंद कर दो। याद रखना, लगाओ जी एडिटर साहब फोन, लगाओ फटाफट, लगाओ इनके घर पे, लेट आइए। फनेटिक, अब यहां से देखो फनेटिक मेथड। फनेटिक का मतलब क्या है बेटा? बोलने से लिया गया है। फनेटिक का मतलब किससे लिया गया है? बोलने से लिया गया है। अब इस मेथड में स्पीकिंग का रोल ज्यादा है, इस मेथड में स्पीकिंग का रोल ज्यादा है, ध्यान रखना इस बात का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। तो फनेटिक मेथड का रोल स्पीकिंग में ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम फनेटिक पड़ गया। रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को और ज्यादा अच्छा कर। गुरुजी आपकी कृपा से 29 नंबर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कल एक महिमा जैन नाम की लड़की थी जिसने कहा था सर 30 में से 29 नंबर आए हैं रीट में। रामकिशोर प्रजापत जी का कहना है सर मेरे 30 में से 29, बहुत बढ़िया, वेल डन माय बॉय, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, उम्दा प्रदर्शन। आप सभी के आशीर्वाद से, इस मेहनत से जल्दी ही बेटा इस मेहनत से बहुत आगे आपको भी लेकर जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, हर चीज आप तक पहुंचाऊंगा, यह मेरा वादा है। पढ़ो और जस्ट मेरे बाद हिंदी के लिए हिंदी की क्लास होगी, जबरदस्त क्लास। डॉक्टर ताराचंद सेन इस क्लास को लेंगे बेटा, ध्यान रखना। हिंदी की जो बारीकियां है, ज्यादा में से ज्यादा मार्क्स कैसे लाए सकते हैं, डॉक्टर ताराचंद जी सेन बताएंगे आपको बेटा। एक ऐसी क्लास हिंदी की, हिंदी का सारा डर खत्म हो जाएगा। एक बार विश्वास करके देखना बेटा, जिंदगी के अंदर ऐसा महसूस होगा कि हिंदी आज पढ़ रही है। उनकी उनकी जो लेखन करने की जो शैली है बेटा, उसकी हैंडराइटिंग, उनकी हैंडराइटिंग देखकर ऐसे लगेगा पूछो मत, भाई साहब कतई। अरे आप लेकर देखना, मजा आ जाएगा, हम क्या कहें जब पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और संडे को ये सारी पीडीएफ दूंगा ऐप में। अरे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हलवा, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और टेस्ट लूंगा बेटा, 2000 क्वेश्चन रखूंगा उसके अंदर। ये तो सब बात की बातें हैं, आ जाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर। ये इनके उपनाम है बेटा, उपनाम है ये इनके। दूसरी बात अब यहां पर आ जाओ। जो डायरेक्ट मेथड है वो डायरेक्ट मेथड क्या है? वो डायरेक्ट मेथड क्या है बच्चे? ये डायरेक्ट मेथड आपका फिलोसॉफिकल या नहीं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बेस है। क्या है ये? साइकोलॉजिकल बेस मेथड है, साइकोलॉजिकल बेस। दूसरी बात, आ जाओ इधर, आ जाओ। अगर ये साइकोलॉजिकल बेस है, अगर ये साइकोलॉजिकल बेस है तो पक्की बात है ये चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है भाई, पक्की बात है, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। या फिर मैं कहूं ये पीपल सेंटर्ड है, या फिर मैं कहूं ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, इसमें कहने की यह बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड है,
साइकोलॉजिकल बेस है, कोई आपत्ति है ही नहीं बेटा, कोई आपत्ति है ही नहीं बेटा। कल की क्लास में 100 के ऊपर लाइव जाने चाहिए, मैं कुछ नहीं समझता बेटा। जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और पुराने सभी आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी है, जो भी रवि आचार्य को जानते हैं, उन सबको बताएं कि रवि आचार्य सर अब क्लास कहाँ ले रहे हैं। सर क्लास ले रहे हैं एडुपत आचार्य क्लासेस पे। जी हाँ, चलिए, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। दूसरी बात इसमें स्टूडेंट का पार्ट कैसा होता है? एक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? एक्टिव पार्ट होता है बेटा। कौन सा पार्ट होता है? एक्टिव पार्ट होता है। इसमें कौन सी लैंग्वेज को अवॉइड किया गया था? तो इसमें अवॉइड किया गया था मदर टंग को। क्या? मदर टंग को अवॉइड किया गया था, मदर टंग को अवॉइड किया गया था, ठीक है। इसके ऊपर किस पर इंसिस्ट किया गया? किस पर इंसिस्ट किया गया? इंसिस्ट ऑन, जोर किस पर दिया गया? जोर इंग्लिश पे दिया गया। इंग्लिश के साथ साथ इसे ही मैं क्या बोल सकता हूं, जोर टारगेट लैंग्वेज पे दिया गया था। टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ मैं इसे क्या बोल सकता हूं, सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया था, सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। सर इसको TCGM का अपोजिट डायरेक्ट मेथड तो कह सकते हैं बेटा। बिल्कुल सही है ना। आगे देखो। दूसरी बात यहां से और कुछ चीजें बेटा ना, और कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, और कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें और ध्यान रखनी है आपको। ये क्या है? ये काफी एक्सपेंसिव मेथड है। क्या? ये एक्सपेंसिव मेथड है, जबकि ट्रांसलेशन मेथड क्या था? नो एक्सपेंसिव। इसको अभी मैं दोनों को ऐसे और सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा? जब दोनों को पैरेलल लिखकर कंपैरिजन करके वापस एक बार सारी चीजें याद करवाऊंगा। ये एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें नीड होती है, इसमें नीड होती है। किसकी नीड होती है इसमें? इसमें भाई साहब TLM की नीड होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की नीड होती है। क्या? टीचिंग लर्निंग मटेरियल की इसमें क्या होती है? नीड होती है, है ना। एक्सपेंसिव है ये एक्सपेंसिव है, महंगा है बेटा। दूसरी बात याद रखना है बेटा, दूसरी बात कि जो डायरेक्ट मेथड है, कौन सा मेथड बच्चा? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में जो आप ग्रामर पढ़ाते हैं, ये ग्रामर आप कौन से मेथड से पढ़ाएंगे? तो ये आप पढ़ाएंगे बेटा कौन से मेथड से? ये पढ़ाएंगे आप इंडक्टिव मेथड से। क्या? इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे। जब इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे तो ये इंडक्टिव मेथड होता क्या है? ये इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है जब आप पहले एग्जांपल देते हो और एग्जांपल के बाद आप रूल बताते हो, तो यही आपका इंडक्टिव मेथड होता है। क्या होता है? इंडक्टिव मेथड होता है बेटा, ठीक है। दूसरी बात बिल्कुल, ये टाइम टेकिंग मेथड है ना। कौन सा मेथड है? यह टाइम टेकिंग मेथड है बेटा, ध्यान देना। यहां पर लिख दिया मैंने, यहां पर क्या है? टाइम टेकिंग मेथड है, टाइम टेकिंग मेथड है, या फिर टेकिंग की जगह मैं कंज्यूम लिख सकता हूं। इसमें टाइम ज्यादा लगता है बेटा। इंग्लिश में समझाएगा आदमी तो समय लगेगा ना समझाने में, इंग्लिश में समझाएगा तो समय तो लगेगा ना समझाने में, बट जरूरत है, क्योंकि हिंदी में इंसान जल्दी समझता है। और जस्ट मेरे बाद आपके लिए तूफानी क्लास बेटा, हिंदी की एक ऐसी जबरदस्त क्लास होगी जो आपके 30 नंबर का तय करेगी, 30 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज को। बिल्कुल बहुत बढ़िया निशाचारण जी, समझ ही को नहीं। बिल्कुल निशा जी बताइए, अगर क्या समझ नहीं आया आपको, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, जल्दी बताएं। प्लेलिस्ट है क्या स्टार्टिंग से? बिल्कुल प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रीट की अलग से, सेकंड ग्रेड की अलग से, सारी की सारी प्लेलिस्ट है। और जस्ट मेरे बात हिंदी की बड़ी ही जबरदस्त क्लास होगी, एक ऐसी क्लास बेटा जो मजा आ जाएगा, देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल शाबाश बेटा। अगर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है तो जल्दी से थम के निशान सेंड कर दे, फटाफट जल्दी से, जितना जल्दी हो सके थम के निशान सेंड कर दे बेटा, जितना जल्दी हो सके थम के निशान सेंड कर दे, थम के निशान, ताकि मैं समझ जाऊं कि मजा आ गया बेटा। क्या मजा आ गया? टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग है बेटा, है ना, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। डायरेक्ट मेथड भाई साहब कहां हुआ था? फ्रांस। क्या याद रखना है? फ्रांस की क्रांति, ना जी ना, 1901 याद रखना है, 1901 याद रखना है। किसका याद रखना है? फ्रांस का मामला याद रखना है, फ्रांस का मामला याद रखना है। और इसके ऊपर इंसिस्ट किया किस पे किया गया था? इंसिस्ट किया गया था बेटा किस पे? स्पीकिंग पे। क्या? स्पीकिंग पे। और यहां इसने ये कहा कि नेचुरल तरीके से इंग्लिश सिखाओ। अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही सिखाओ, इंग्लिश बोलो, टीचर भी इंग्लिश बोलेगा और बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा, तभी वो इंग्लिश सीखेगा। हर चीज तभी इंग्लिश सीखेगा जब वो बोलेगा बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बेस्ट बात है बेटा ये। चलिए, किसी का कोई डाउट जल्दी से बताएं, किसी का कोई डाउट हो तो बताएं।
बिल्कुल बेटा, ये दूसरी ही क्लास है। इसमें मैंने पहली क्लास को बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है। कल मैं दोनों के दोनों ही मेथड को, नोबिता जी नमस्कार, बिल्कुल मेरे पुराने सभी स्टूडेंट्स मुझे दिखने लगे हैं, शाबाश बेटा। बेटा जल्दी से मेरी इस मेहनत को जाया नहीं जाने देना चाहिए, और आपको बेटा जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए। पढ़ाने का काम मेरा, सिखाने का काम मेरा, मैटर ढूंढने का काम मेरा, अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का काम मेरा, और बाकी थोड़ा सा एक काम आपका कि डेली के 10 मिनट आप मेरे लिए दे और लोगों को यह बता दे कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। और आपके लिए ध्यान रखना है बेटा, आपके लिए कंप्लीट क्लासेस लिखी है मैंने, रीट की, इंग्लिश की ही नहीं बेटा, इंग्लिश की 3 से 4 संस्कृत की क्लास होती है बेटा। देवीलाल जी के सर से मुख से जो बेटा वो बोलते हैं जो संस्कृत में, आप एक बार सुन के देखें। रीट की क्लास होती है आपकी 3 से 4, और यहां पर रीट की ही जस्ट 4 से 5 आपकी, 4 से 5 आपकी इंग्लिश की क्लास होती है जो मैं ले रहा हूं बेटा, ठीक है, जो मैं ले रहा हूं। और जस्ट इसके बाद ही मेरी क्लास में ही 5 से 6 तक हिंदी की जबरदस्त, इस चैनल की सबसे सुपर डुपर क्लास होती है बेटा। ज्यादा वेटेज है यहां पर, ज्यादा वेटेज है, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा वेटेज है। और यहां पर यूनिट ऑफ टीचिंग, एक बच्चा बोल रहा है कि यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, तो इसका यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है, सेंटेंस होता है। क्या होता है? सेंटेंस होता है। जबकि ट्रांसलेशन में क्या था? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था। क्या बेटा? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था। बिल्कुल बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सर ये पीडीएफ आपको सेव करनी है, हिंदी वाले गुरुजी ध्यान से देखें, ये पीडीएफ ऐसी की ऐसी सेव करनी है आपको। अब आप आराम से बच्चों को एक जबरदस्त सेशन के साथ हिंदी की बारीकियों का, आइए सर, आइए एक बार आइए। बिल्कुल यह है मिस्टर डॉक्टर ताराचंद सेन, जिनका बेटा नेट और पीएचडी हिंदी में कंप्लीट है। और जब आप एक मिनट जब इनसे पढ़ोगे आप, तो आपको इनकी आवाज से, इनकी ध्वनि से, इनकी आवाज से ऐसा महसूस होने लगेगा कि वास्तव में ही सरस्वती इनके जीभ पे विराजमान है। इनकी जो बारीकियां हिंदी की, एक बार पढ़कर देखे आप, और सारी चीजें आपको ऐप पर मिलने वाली है। लीजिए सर, बिल्कुल सर को पढ़ाए अच्छे तरीके से इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और सभी जो मेरे प्यारे साथी हैं, सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्यारे साथियों, कि आपने जिस प्रकार से हमारे जो मिस्टर रवि आचार्य जी सर हैं, जिस प्रकार से आपने इनको जो स्नेह दिया है, प्यार प्रेम दिया है, और इन्होंने आपके जेहन में और आपके हृदय में जो जगह बनाई है मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से मैं भी एक जगह बनाने का प्रयास करूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको शत प्रतिशत विषय वस्तु से संबंधित जो ज्ञान मिले, वो आपको बेहतर से बेहतरीन में बदलने वाला मिलेगा प्यारे साथियों। तो आइए मैं अपने शब्दों को अपने विषय वस्तु की ओर उन्मुख कर रहा हूं प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं अपना नाम न बता करके मैं केवल और केवल अपना काम से ही अपने नाम को बदलना चाहता हूं, या अपने नाम का वर्चस्व या यशस्वी बनाना चाहता हूं प्यारे साथियों। तो चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं प्यारे साथियों। जैसा कि कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्यारे साथियों, कि जो वाक्य होता है, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रकरण चल रहा है प्यारे मित्रों, वह चल रहा है वाक्य विचार। कौन सा वाला है? वाक्य विचार। अब वाक्य विचार जो है मेरे प्यारे साथियों, वाक्य विचार क्यों लिया है हमने? क्योंकि वाक्य विचार से हमारी वाक्य शुद्धि भी कंप्लीट होती है। हमारा जो वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, वह भी हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ अर्थ के आधार पे जो 8 भेद होते हैं, वह भी हम जान जाएंगे। वर्तनी शुद्धि को भी हम जान जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि वाक्य विचार से जो है प्यारे मित्रों, एक ही प्रकरण कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके अलावा हमारे जो अन्य प्रकरण है, वह भी हमारे पूरे होंगे। तो चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कल मैंने ट्रिक के अंदाज से आपको एक बात बताई थी कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं, आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, और यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो प्रकरण है, यह अध्यापक भर्ती जो सेकंड ग्रेड वाली है, उसके अंदर भी निहित है, और रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी निहित है प्यारे साथियों। तो जानना जरूरी है, यदि प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि वाक्य के तत्व होते हैं, तो वाक्य के तत्व कितने होते हैं प्यारे साथियों, तो आपको बताने हैं वाक्य के जो तत्व होते हैं, वह 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कल हम जान चुके थे जो नव आगंतुक साथीगण है, उनको फिर मैं एक भली भांति प्रकार से उस ट्रिका में प्रयोग करके बता देता हूं कि किस प्रकार से आप याद रख सकते हो प्यारे मित्रों, कि वाक्य के तत्व 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी होगी कि आशा आप अनवे के योग्य हो।
आशा नाम की एक लड़की है, उसको किसके योग्य माना गया है प्यारे साथियों? अन्वे के योग्य माना गया है। क्यों? क्योंकि आशा की शादी किससे करवाई जाएगी? अन्वे से करवाई जाएगी, और अन्वे पहले से ही एक योग्य लड़का है, और योग्य लड़के के लिए एक योग्य लड़की चाहिए प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से केवल और केवल आपको ये ट्रिक याद रख लेनी है, आशा नाम की एक लड़की है जो किसके योग्य है? अन्वे नाम के लड़के के योग्य है प्यारे साथियों। तो छह भेद निकल करके आपके समक्ष आ जाएंगे, छह तत्व आ जाएंगे, आ सा और आ और प, अन्वे और योग्य। तो इस प्रकार से इनसे छह तत्व कौन कौन से हैं? आ से तो हो जाएगा प्यारे साथियों आकांक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आकांक्षा हो जाएगा। सा से कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? सार्थकता हो जाएगा, ये दूसरा तत्व हो गया है। और तीसरे तत्व की मैं बात करूं, फिर आ गया है, और आ का तात्पर्य यहां पर आसक्ति होगा। आ से संबंधित दो तत्व होंगे, एक तो होगा आकांक्षा और एक हो जाएगा आसक्ति। ठीक है, आकांक्षा का मतलब क्या होता है, आसक्ति का क्या होता है, अभी आप थोड़ा धीरे रखिए, मैं आपको आगे की ओर बताऊंगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आसक्ति का मैंने अन्य नाम एक और बताए हैं, एक नाम एक और है, वह है सन्निधि है। एक नाम एक और है प्यारे साथियों, वह है सन्निकट। तो आपने सामान्य भाषा में एक शब्द का अधिकांशतः प्रयोग किया है, पास में, निकट में। तो पास में और निकट में जो शब्द होते हैं उन्हीं को ही हम साहित्यिक नाम से जानते हैं, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, सन्निधि कहते हैं, सन्निकट कहते हैं। नंबर चार पे मैं बात करूं, पैसे हो जाएगा पदक्रम हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? पदक्रम हो जाएगा। और पांचवें नंबर पर अन्वे ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। और नंबर छह की मैं बात करूं तो योग्य की जगह यहां पर ता जोड़ करके प्रत्यय और एक जो तत्व बन जाएगा वह बन जाएगा योग्यता। तो यह आसार उम्मीद करता हूं कि अगर अब किसी भी भर्ती परीक्षा में आपसे यह पूछा जाए कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो छह तत्व बताने हैं। और आपसे अगर नकारात्मक प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले कि निम्नांकित में से वाक्य का तत्व नहीं है, आपसे मान लीजिए नकारात्मक प्रश्न बनकर के आ गया प्यारे मित्रों इस प्रकार से कि निम्नांकित में से, ध्यान देना है आपको किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नांकित में से वाक्य का तत्व नहीं है, निम्नांकित में से वाक्य का तत्व नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। और दैनंदिन जीवन में हम जो गलतियां करते हैं प्यारे साथियों, हमने जो असंगत रूप को अपना रखा है वह कौन सा है कि लेखन जो हमारी प्रवृत्ति है वह अशुद्ध हो चली है। हमें शुद्धता की ओर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्तमान समय की मैं बात करूं तो हिंदी की जो स्थिति है प्यारे मित्रों वो बड़ी ही दयनीय है। तो हमें इसमें सुधार करना होगा, केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष से इसमें सुधार नहीं हो सकता है, हम सबको मिलकर के हिंदी में भी सुधार करना होगा। यदि आपकी अच्छी पकड़ अंग्रेजी पर है तो आपके जो अग्रज हैं या आपके जो अनुज साथीगण हैं उन सबको आपको अंग्रेजी विषय का विशेष ज्ञान देना होगा। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी विषय का अच्छा ज्ञान देना होगा। संस्कृत भाषा अगर आपको अच्छे से आती है, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी विषय वस्तु से संबंधित आप अच्छा ज्ञान रखते हो, उस अच्छे ज्ञान को आपको आपके अग्रज और अनुजों को आपको देना होगा, तभी हम देश हित में कार्य कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो हमें इस पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ हमें किसी के हितार्थ भी कार्य करना है। प्रश्न को हमने ध्यान से पढ़ा तो यहां पर लिखा हुआ है कि वाक्य तत्व नहीं है, विकल्प के रूप में यहां पर एक लिखा हुआ आ गया प्यारे साथियों पदक्रम लिखा हुआ आ गया। विकल्प बाकी में बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ आ गया प्यारे साथियों सन्निधि लिखा हुआ आ गया। फिर आगे की मैं और बात करूं प्यारे साथियों, यहां पर सह में लिखा हुआ आ गया, योग्यता लिखा हुआ आ गया यहां पर। फिर मैंने आगे की ओर अग्रसर में हुआ और फिर मैंने यहां पर लिख दिया प्यारे साथियों, मैंने यहां पर लिखा आपूर्ति लिखा मैंने यहां पर। तो आप अगर आपको ये छह तत्व याद होंगे तभी आप बता सकते हो कि कौन सा वह तत्व है, ठीक है, जो कि वाक्य का तत्व नहीं है। पदक्रम होता है, सन्निधि होता है, योग्यता होता है, परंतु ये आपूर्ति जो है प्यारे साथियों ये इसका तत्व नहीं है। तो कौन से विकल्प का चयन करोगे? इस प्रकार से द विकल्प का हम चयन करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और पढ़ते हैं प्यारे साथियों कि किस प्रकार से हमने जो छह तत्व होते हैं वह तो हम जान चुके हैं, अब बारी है
कल मैंने आपको बताया था कि वाक्य के अंग जो हैं वो कितने होते हैं, तो वाक्य के अंग दो होते हैं, यह भी हम जान चुके थे, ध्यान आपको रखना है। और वो अंग कौन कौन से थे प्यारे साथियों, यदि वाक्य की संरचना करनी है, अंग लिखा हुआ है, अंग की जगह घटक भी लिखा हुआ आ सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंग की जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है, घटक भी लिखा हुआ आ सकता है। और अंग कितने थे वह हम पढ़ चुके थे कल, दो थे। एक जो अंग था प्यारे साथियों वह तो कौन सा था, उद्देश्य था, और दूसरा वाला कौन सा था, विधेय था। और हमें यह ध्यान रखना है कि ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो सामान्य स्तर की मैं बात करूं प्यारे साथियों, यदि हमें कोई भी वाक्य की संरचना करनी है या वाक्य हमें बनाना है, तो कर्ता और क्रिया इन दोनों से ही वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। ये कर्ता रहा और ये क्रिया रहा, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य, और क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि कर्ता और क्रिया से ही या इन दोनों के योग से ही एक वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसीलिए वाक्य के कितने अंग हो गए, कितने घटक हो गए प्यारे साथियों, दो घटक हो गए, इनको हम जान चुके हैं, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं, और उद्देश्य के और विधेय के अंग कितने होते हैं यह भी हम कल जान चुके थे। चलिए रीड 2021 में आया था ये क्वेश्चन। रिया जी देखो, ज्यादा कुछ न बोल करके मैं तो केवल और केवल इतना ही कहूंगा, मैं इतना ही आपसे कहूंगा प्यारे मित्रों, आप बस केवल और केवल विश्वास रख करके, आंखें मूंद करके, एक बार मेरे द्वारा जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है उसे आप ग्रहण कर लीजिए, और फिर आप खुद ये विश्लेषण कीजिए मेरे प्यारे साथियों कि मेरे द्वारा जो ज्ञान आपको दिया गया है क्या वह आपके लिए 100% सही है, आपके हितार्थ है। क्योंकि मैं आपको इस मंच के माध्यम से प्यारे साथियों इतना ही कहना चाहता हूं, देखो मैं बड़े बोल न बोल करके इतना ही आपसे कहूंगा कि मेरे से पढ़ने के बाद में किसी प्रकरण को फिर आप किसी उसी प्रकरण से संबंधित टेस्ट पेपर को हल कीजिए, यह मेरा आपसे दावा है। 100% उससे संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन सबका आप एक उचित विकल्प का चयन कर पाओगे प्यारे साथियों। बस उसके लिए आपको इस मंच पर रुकना होगा, मेरे द्वारा जो सामग्री, जो बातें, ठीक है, जो विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक टिप्पणी की जा रही है उसे समझना होगा। यदि कोई बात यदि आपसे समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे साथियों। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर बात यहां पर यह पूछी जाए कि उद्देश्य के अंग बताइए, यदि वाक्य के अंग पूछे जब तो दो बताएंगे, और उद्देश्य के अंग पूछे प्यारे साथियों तब भी आपको दो ही अंग बताने हैं। कर्ता के कितने अंग बताने हैं आपको, कर्ता के भी अंग कितने होते हैं, दो अंग होते हैं, और वह अंग कौन कौन से हैं तो मैं फिर एक बार यहां पर लिख देता हूं प्यारे साथियों। एक तो उद्देश्य स्वयं ही अपने आप में अंग है, उद्देश्य स्वयं ही अपने आप में क्या है, अंग है। और उद्देश्य को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यार हम बात करें उद्देश्य के अलावा और कौन सा होगा जो उद्देश्य का विस्तार करता है, यानी कि कर्ता से पहले जो भी शब्द आते हैं उनको हम उद्देश्य विस्तारक कहते हैं, या उन्हें आप कर्ता विस्तारक कह सकते हो, ठीक है प्यारे साथियों। यह भी हम कल जान चुके थे, एक बार मैं इनकी पुनरावृत्ति इसी वजह से कर रहा हूं प्यारे साथियों, क्योंकि निश्चित रूप से और निरंतर रूप से हमने जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य जो प्रारंभ किया है प्यारे साथियों वह कल से संभव हो पाया है और निरंतरता हम बनाए हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी नव आगंतुक साथीगण है वो जान चुके हैं, यानी कि कर्ता एक तो यह स्वयं अपने आप में अंग होता है, और कर्ता का विस्तार करने वाले, यानी कि किसी भी वाक्य में कर्ता से पहले जो शब्द आते हैं वह क्या कहलाते हैं, कर्ता विस्तारक, और कर्ता स्वयं अपने आप में एक अंग है। तो उद्देश्य के अंग कितने हो गए, दो हो गए। आगे की मैं बात करूं प्यारे साथियों, उद्देश्य के बाद में वाक्य का दूसरा अंग कौन सा था, विधेय था। और विधेय के भी अंग कितने होते हैं, अगर आपसे पूछे कि विधेय के अंग बताइए या विधेय के घटक बताइए, तो विधेय के जो अंग होते हैं प्यारे साथियों ये सबसे ज्यादा होते हैं। और कितने होते हैं, जिस प्रकार से तत्व छह थे ना वैसे ही इसके घटक अंग भी कितने हो गए, छह हो गए। ध्यान आपको ये रखना है,
ये तो संख्या में है, परंतु यदि छह को हमें शब्दों में रूप लिखना हो तो इस प्रकार से हमें लिखना होगा। मैं आपसे बात करूं, देखो यदि मैं आपसे पूछूं ये संख्या है प्यारे साथियों, या फिर मैंने यहां पर ये संख्या लिखी है, मैंने यहां पर ये संख्या लिखी है, ठीक है, मैंने यहां पर ये संख्या लिखी है, तो इनसे संबंधित भी वर्तनी शुद्धि में हमसे सवाल जवाब कर लिया जाता है। यदि आप इनसे संबंधित जानकारी रखते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्यारे साथियों। हमारे संस्कृत गुरु डीएल सर भी आ गए हैं, नमो नमः सर जी, नमो नमः सर, आपका भी इस एडुपत आचार्य क्लास में तहे दिल से आभार और अभिनंदन में व्यक्त करता हूं। और प्यारे साथियों, जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा अनुनय विनय यह है कि 3 से 4 हमारे संस्कृत गुरु की कक्षाएं होती हैं, एक बार उनकी मधुर वाणी से आप एक बार पढ़ करके देखिए, आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है, जिनके संस्कृत विषय है, संस्कृत भाषा है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, ये जो संख्याएं हैं इनसे संबंधित भी वर्तनी शुद्धि में आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत सारे हमारे साथीगण हैं, उनको गुरुजनों के द्वारा एक यथार्थ और वास्तविक ज्ञान नहीं दिया गया है, इस वजह से वो बता नहीं सकते। अब बताइए इसको क्या कहेंगे, ये 43 है या 43 है, ध्यान रखना है, इसे क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे 43 बोलते हैं, ये 43 नहीं होता है प्यारे साथियों। ये जो संख्या है इसको शब्द में क्या लिखा जाता है, 43 लिखा जाता है, ये इसका शब्द होता है, ठीक है, और ये शुद्ध होता है। इसकी मैं बात करूं, इसको 85 करते हैं, परंतु ये 85 नहीं होता है, ये 85 होता है। क्या होता है? 85 होता है। ये भी वर्तनी शुद्धि में पूछ लिया जाता है। मैं बात करूं ये जो है इसको, तो जाहिर सी बात है हम 50 कहते ही हैं, परंतु होता क्या है कि हमारी मति जो भ्रांति है वो कहां हो पाती है। बहुत सारे इस 50 को, तो चलो 50 लिखा हुआ है तो जान जाएंगे, परंतु इस 85 को भी बहुत सारे 50 मान लेते हैं, तो गलत होता है। यहां मैं बात करूं, ठीक है, ये जो है 5 और 3 का जो 2 संख्याओं का योग है, इसे क्या कहते हैं बताइए आप, इसे बहुत सारे क्या करते हैं, 53 बोलते हैं, तो प्यारे मित्रों उसे 53 नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं 53 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 53 कहते हैं। ये मैंने क्यों बताया है आपको, बहुत सारे साथीगण सोचेंगे कि सर ने ये क्यों बताना प्रारंभ कर दिया। मैंने इसलिए बताया है, हम छोटी छोटी बातों या छोटी छोटी जो गलतियां होती है उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, और इनको नजरअंदाज करने की वजह से ही प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला एक प्रश्न हमसे गलत हो जाता है, और एक ही प्रश्न हमारी जिंदगी बना देता है, और एक ही प्रश्न हमारी जिंदगी समाप्त कर देता है प्यारे साथियों। तो हमें बड़े ही ये मान के चलो सीरियस होके पढ़ना होगा, क्यों? क्योंकि अगर एक प्रश्न हमारा गलत हो गया है तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। 6 को हमें इस तरह से लिखना है, 6 को विसर्ग युक्त लिखोगे तो वर्तनी दृष्टिकोण से ये अशुद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आसार उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा अभी आपको जो ये बातें बताई गई है आप सभी के समझ में आई होगी। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं, समय को ध्यान में रखते हुए और एक उचित जानकारी आपको देने का मैं प्रयास करूंगा। यदि आप सभी के मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है प्यारे मित्रगणों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, थम्स अप करते रहे ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे आपको, ठीक है। चलिए, 6 अंक कौन से हैं, तो कर्ता के तो हो गए, कर्ता और कर्ता विस्तारक हो गया है। आगे की ओर हम बात करते हैं, कर्ता के बाद में कौन आता है प्यारे साथियों, कर्म भी आता है, तो कर्म हो गया, और कर्म से पहले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कर्म विस्तारक कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, कर्म विस्तारक हम कहते हैं। आगे की मैं बात करूं, कर्म के बाद में क्या आती है, क्रिया आती है, तो क्रिया स्वयं अपने अपने एक अंग हो गया, और क्रिया से पहले जो शब्द मिलेंगे क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं परंतु क्रिया का विस्तार कर रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं क्रिया विस्तारक कहते हैं प्यारे साथियों। और अंत में जो शब्द आते हैं क्रिया के बाद में भी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य की पूर्ति करते हैं, ठीक है, वाक्य को पूरा बनाते हैं, उन्हें हम पूरक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उन्हें हम पूरक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो पूरक शब्द भी अपने आप में अंग हो गए हैं, और जो पूरक से पहले जो शब्द आते हैं पूरक के साथ में जुड़े हुए होते हैं उन्हें पूरक विस्तारक कहते हैं। तो इस प्रकार से विधेय के अंग कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। कर्म हो गया, कर्म का विस्तार करने वाला हो गया, क्रिया और क्रिया का विस्तार करने वाला हो गया, पूरक जो वाक्य को पूरा बनाते हैं, पूरा करते हैं पूरक, और पूरक पूरा करने से पहले पहले पूरक के साथ में जो जुड़े हुए होते हैं उन्हें पूरक विस्तारक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जान चुके हैं। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं और मैं एक उदाहरण आपके समक्ष लिखता हूं प्यारे साथियों। देखो, स्वागतार्थ आए,
स्वागतार्थ आए नगरवासी नगरवासियों से श्री कृष्ण घिरे हुए थे। देखो, स्वागतार्थ आए हुए नगरवासियों से श्री कृष्ण घिरे हुए थे। ध्यान देना है आपको, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना है। स्वागत अर्थ का मतलब होता है के लिए, आए हुए थे कौन? आए हुए थे प्यारे साथियों नगरवासी, ठीक है। और उन नगरवासियों से कौन घिरे हुए थे? श्री कृष्ण क्या घिरे हुए थे, ठीक है। हमने इसको ध्यान से पढ़ लिया है, अब हमें पहचान करनी है। सबसे पहले हमें ढूंढना होगा प्यारे साथियों, क्रिया को ढूंढना होगा। किसको ढूंढना होगा? क्रिया को ढूंढना होगा। चलिए क्रिया को हम ढूंढ लेंगे। और क्रिया कहां निहित होती है? क्रिया निहित होती है वाक्य के अंत में। सबसे पहले क्रिया के बारे में पता लगाओ, तो क्रिया कहां मिलेगी आपको? क्रिया मिलती है प्यारे साथियों वाक्य के अंत में, क्रिया निहित होती है। इसके बाद में हमें ढूंढना होगा कर्ता को, और कर्ता को ढूंढने के लिए दो प्रश्नवाचक शब्द हम उपयोग में लेते हैं। एक तो है कौन और एक है किसने। ये दो प्रश्नवाचक शब्द है जिन्हें हम उपयोग में लेते हैं प्यारे साथियों। कौन और किसने को हम उपयोग में लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं? सबसे पहले क्रिया को। तो घिरना या घिरे हुए थे, तो ये तो क्रिया हो गई प्यारे साथियों, आपको ध्यान देना है। चलिए इसके बाद में कर्ता को ढूंढते हैं, तो कर्ता को ढूंढने के लिए दो प्रश्नवाचक, कौन और किसने। तो बताइए इन प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर के आप क्रिया के पास में चले जाइए, ठीक है। इन प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर के किसके पास में जाओगे? क्रिया के पास में। तो बताइए कौन घिरे हुए थे, तो आपको जवाब मिलेगा कौन घिरे हुए थे प्यारे साथियों? श्री कृष्ण घिरे हुए थे। तो ये श्री कृष्ण तो क्या हो गया प्यारे साथियों? ये उद्देश्य हो गए। क्या हो गए? ये तो ये उद्देश्य हो गया है, ठीक है। ये शब्द उद्देश्य हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करें बाकी जो सभी शब्द बचे हैं, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों? ये सभी के सभी विधेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विधेय हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे कि सभी के सभी बाकी जो शब्द हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? विधेय हो जाएंगे। केवल एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि उद्देश्य और विधेय के बारे में पूछता है, यह आपको 101% ध्यान रखना है। अभी जो कोरोना काल के अंतर्गत डीएसएसबी की जो भर्ती हुई थी मेरे प्यारे साथियों, उस डीएसएसबी के अंतर्गत है उद्देश्य और विधेय को लेकर के सवाल पूछा गया था। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य से संबंधित सवाल बहुत ही ज्यादा आए थे। तो मैं आपसे यही अनुने विनय करना चाहूंगा कि जो उद्देश्य और विधेय को लेकर के जो आपको संपूर्ण और समग्र सामग्री जानकारी दी गई है, आप सभी के समझ में आई होगी मेरे प्यारे मित्रों। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों वाक्य के भेद को लेकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः है वाक्य के भेद, ठीक है, या मैं पहले हेडिंग लिख देता हूं प्यारे साथियों कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। आइए अब हम सब जानते हैं, आप सभी अपना पूर्व मूल्यांकन करें, ठीक है, कि आप वाक्य के भेद कितने होते हैं, आप कितना जानते हो। आप अपना खुद का स्व मूल्यांकन कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। आप मेरे द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान है उसको आप एक बार समझिए और आप खुद यह है आत्मभूति या स्व मूल्यांकन कीजिए कि आप कितना जानते हो। तो आइए अब आपकी बारी है वाक्य के भेद। तो भैया वाक्य के जो भेद हैं वो सामान्यतः तीन आधार पर किए गए हैं, ठीक है। तो सामान्यतः ध्यान रखना, सामान्यतः में ये जो तह है इसकी मैं बात करूं, इसमें दो उपसर्ग हैं। किसमें उपसर्ग हैं? इसमें सामान्य में। मुख्य रूप से हम उचित एक शब्द की बात करें तो समान होता है, और समान में यह प्रत्यय लगा हुआ है, और एक कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तह प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है प्यारे साथियों। और इन दो प्रत्यय के योग से ही क्या बना है? समान में ये प्रत्यय जुड़ा तो स का सा हो गया, ये ने हो गया, सामान्य हो गया। और सामान्य में एक और प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तह प्रत्यय जुड़ा है। तो कितने प्रत्यय हो गए इसमें? दो प्रत्यय इसमें लगे हुए हैं, ध्यान रखना है। सामान्यतः शब्द जो मैंने लिखा है इसमें कितने प्रत्यय हैं, तो कितने प्रत्यय बताओगे? दो प्रत्यय आपको बताना है। तो सामान्यतः
वाक्य के निम्नांकित दृष्टियों से तीन भेद बताए गए हैं। देखो, तीन भेद बताए गए हैं या तीन आधारों पर या तीन दृष्टियों से वाक्य को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, वेरी गुड। पिंका जी ने संरचना, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद पिंका जी आपने। ठीक है, सिंगल जी कह रहे हैं जीत थोड़ा सब्र रखो। सिंगल जी, जीत जी, जीत जी को कहा है तो जीत जी बताइए आपको क्या समस्या है, आपको क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है। तो आप जुड़े रहें प्यारे साथियों, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, और जिस व्यक्ति में अगर धैर्य और विवेक है मेरे प्यारे साथियों, वो बड़ी से बड़ी जंग को भी जीत जाता है। बस आप जुड़े रहे मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, और यह आप अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि आप कितना जानते हो। एक तो हो गया भैया किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर, किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर। और सबसे जो जटिल क्रिया के आधार पर या क्रिया दृष्टि के आधार पर हम बात करें, ठीक है, आगे हम बात करें इसके बाद में अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, और फिर हम बात करें प्रयोग संरचना, अर्थ के आधार पर भेद किए गए हैं। नंबर तीन की मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो संरचना लिखा हुआ आ सकता है, प्रयोग भी लिखा हुआ आ सकता है वहां पर, और प्रयोग की जगह अन्य शब्द क्या लिखे हुए आ सकते हैं, प्रयोग की जगह बनावट भी लिखा हुआ आ सकता है, और बनावट की जगह वहां पर प्यारे साथियों व्युत्पत्ति भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या लिखा हुआ आ सकता है, व्युत्पत्ति भी लिखा हुआ आ सकता है के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, इन तीन आधारों पर या इन तीन दृष्टियों से वाक्य के भेद बताए जाएंगे। कितने कितने भेद होते हैं वो हम जानेंगे प्यारे साथियों। तो एक तो हमें ध्यान रखना है किस आधार पर किए गए, किस दृष्टि से, क्रिया के आधार पर। एक, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, संरचना लिखा हुआ है, प्रयोग लिखा हुआ आ जाए, बनावट लिखा हुआ आ जाए, और विशेष रूप से जिसकी उत्पत्ति की गई है, व्युत्पत्ति में कौन संधि है, यण संधि है, विधन उत्पत्ति है मेरे प्यारे साथियों, जिसको विशेष रूप से उत्पन्न किया गया है। अब विशेष रूप से जिसको उत्पन्न किया गया है अर्थात कुछ ना कुछ तो प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रयोग करके फिर उसको बनाया गया होगा, तो बनावट के आधार पर है। संरचना विशेष प्रकार की जो रचना यानी निर्माण किया गया है, तो कुल मिलाकर के संरचना, प्रयोग, बनावट या व्युत्पत्ति लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना है। ठीक है, अब हम बारी बारी एक एक को जानते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं प्यारे साथियों क्रिया के आधार पर, यह बड़ा ही जटिल है। मैं बात करूं अभी राजस्थान हाईकोर्ट LDC का जो पेपर हुआ था, उसके लिए मैंने बहुत सारे साथी गणों की एक ही बात सुनी थी। वो ये एक ही बात बोलते थे कि सर हमारे को वाच्य नहीं आते हैं, वाच्य बता दीजिएगा। तो वाच्य आज आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं, बस आप जुड़े रहिए प्यारे साथियों। देखो, मैं अर्थ के आधार पर जो आठ भेद होते हैं, सबसे पहले वह नहीं करा रहा। प्रयोग संरचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं, वह नहीं करा रहा। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया की दृष्टि से जो वाक्य के तीन भेद होते हैं, या क्रिया के आधार पर वाक्य के जो तीन भेद होते हैं, हम सबसे पहले उनको जानेंगे। और आपको यह जानना है कि वाच्य आपको कितना आता है, तो आइए आप मेरे जुड़े रहिए और मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है वाच्य संबंधित, क्योंकि वाच्य हर किसी स्टूडेंट को मैं कहूं बहुत ही कठिन लगता है, जटिल लगता है, फुहड़ लगता है। तो आज के बाद में वाच्य को लेकर के आपके जहन में जो जटिलता का भाव बना हुआ है वह दूर होने वाला है प्यारे साथियों, बस आप जुड़े रहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। तो क्रिया की दृष्टि से ठीक है, या क्रिया के आधार पर, क्रिया की दृष्टि से वाक्य के भेद,
तो ध्यान रखना है क्रिया की दृष्टि से या क्रिया के आधार पर, के आधार भी लिखा हुआ आ सकता है कि दृष्टि भी लिखा हुआ आ सकता है, के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं तो आपको बताने हैं प्यारे साथियों यहां पर तीन भेद बताने हैं। कितने बताने हैं? तीन भेद बताने हैं, और वो है कौन कौन से, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला जो है वह होगा कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य, एक तो यह हो गया है। नंबर दो पर कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा कर्मवाच्य प्रधान वाक्य, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य दूसरे नंबर पे यह हो गया है, इसका जो भेद है। ठीक है, आगे की ओर हम अग्रसर होते हैं। और नंबर तीन पर कौन सा आएगा? तो नंबर तीन पर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह हो जाएगा भाववाच्य प्रधान वाक्य होगा। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत आने वाले जो तीन भेद हैं हम उनको जान सकते हैं। पहला कौन सा है? कर्तृवाच्य। ध्यान रखना है, हमें इसका उच्चारण शुद्ध करना है। मैं यहां पर आपको दो शब्द बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम देखो, दैनंदिन जीवन में हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं प्यारे साथियों। अब आपको वह गलतियां नहीं करना है। देखो, हम कभी कभार क्या करते हैं, जल्दबाजी में या फिर हमें हमारे गुरुजनों के द्वारा एक उचित ज्ञान जो नहीं दिया गया है उसके कारण ही हमसे क्या होती है, कई बार गलतियां हो जाती है। हमें उन्हीं गलतियों को जानना है मेरे प्यारे साथियों। इनमें मैं बात करूं, ये जो शब्द है ये हमें बहुत बहुत बार देखने को मिलते हैं और बहुत बार हम इनका उल्लेख भी करते हैं, इनको लिखते भी हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब मैं बात करूं वर्तनी शुद्धि की। वर्तनी शुद्धि के अनुसार मैं इनकी बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप इस समय बहुत सारे साथीगण और पेन कलम या फिर कोई भी कॉपी लेकर के बैठा हुआ, नोटबुक लेकर के बैठा हुआ है, यदि वह नोट्स बना रहा है प्यारे साथियों, तो उसमें यदि मैं अगर आपकी नोटबुक को चेक करूं तो उसमें बहुत सारी आपसे गलतियां निकल जाएगी, अशुद्धियां बहुत सारी होती हैं। तो हमें उन अशुद्धियों पर क्या करना होगा, सबसे पहले फोकस करना होगा प्यारे साथियों। जितनी कम हम अशुद्धियां करेंगे उतना ही वाक्य शुद्धि प्रकरण को हम समझ पाएंगे। तो एक एक शब्द को लेकर के भी देखो, मेरा केवल और केवल मकसद अभी वाक्य विचार को ही नहीं समझाना है, वाक्य विचार के साथ साथ हमें वाक्य विचार से संबंधित और कौन सा प्रकरण जुड़ा हुआ है मुझे वह भी बताना है। यहां पर मैं वाक्य लिख रहा हूं तो वाक्य का निर्माण किससे होता है? सार्थक शब्दों से होता है। तो सार्थक शब्द बताना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, उसका वास्तविक उच्चारण क्या होता है वह बताना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो वह मैं आपको बता रहा हूं। सर हम बना रहे हैं नोट्स, तो जरूर आप बना के रहिए प्यारे साथियों। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडुपत आचार्य के नाम से, ठीक है, उस एडुपत आचार्य टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं मेरे स्वलिखित जो नोट्स हैं वे मैं उन नोट्सों को भी उस पर पीडीएफ बना करके डालूंगा, जो कि आपके जीवन में बहुत ही हितार्थ होंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यदि बहुत कोई साथीगण है जिस जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है, एडुपत आचार्य से भी जुड़ सकता है या फिर डॉक्टर ताराचंद के नाम से भी बना हुआ प्यारे साथियों, डॉक्टर ताराचंद हिंदी गुरु भी बना हुआ है, डॉक्टर ताराचंद हिंदी गुरु के नाम से भी, हिंदी गुरु के नाम से भी क्या बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। एडुपत आचार्य ये टेलीग्राम चैनल है, डॉक्टर ताराचंद हिंदी गुरु के नाम से भी बना हुआ, इससे भी आप जुड़ सकते हो। हिंदी विषय से संबंधित आपको मेरी हैंड राइटिंग में लिखे हुए जो नोट्स हैं वह भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस मंच का केवल और केवल एक ही काम है प्यारे साथियों, और वह काम क्या है? विद्यार्थी हित में कार्य करना। किस हित में कार्य करना? विद्यार्थी हित में कार्य करना और बेहतर को बेहतरीन में बदलने का कार्य किया जा रहा है। तो चलिए अब आप मुझे यह बताइए समय को ध्यान में रखते हुए कि इनमें से वर्तनी दृष्टिकोण से कौन सा वाला शुद्ध होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बताइए, कौन सा होगा इनमें से शुद्ध, मुझे फटाफट से बताइए प्यारे साथियों कौन सा होगा। देखो ध्यान आपको देना है, इसमें जो शुद्ध होता है कर्ता ये वाला शब्द होगा, कर्तव्य ये वाला शुद्ध होगा वर्तनी दृष्टिकोण से। यदि आप कर्ता इस प्रकार से लिखते हो तो यह अशुद्ध होगा, कर्तव्य इस प्रकार से लिखते हो तो यह अशुद्ध होगा प्यारे साथियों, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें जो ये तय है केवल और केवल एक ही आता है, दो तय नहीं आते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो तय नहीं आते हैं प्यारे साथियों, यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखो जो इसमें कितने तय आ रखे हैं, दो आ रखे हैं, एक तो स्वर रहित है एक स्वर
सहित है, इसमें भी एक तो स्वर रहित है एक स्वर सहित है। अगर ये दो जो तय दे रखे हैं इस रूप को क्या कहते हैं, इसी रूप को हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? दो बार आए हैं ये साथ साथ। देखो समान बनावट वाले, समान आकार वाले, एक ही जाति वाले दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक तो स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है। प्यारे साथियों दो बार आने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, जिनकी बनावट एक जैसी होती है उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और इनको एक और अन्य नाम से जाना जाता है और वह नाम है मेरे प्यारे साथियों इन्हें युग्मक ध्वनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? युग्मक ध्वनि भी कहा जाता है। मान लीजिए विकल्प में द्वित्व व्यंजन नहीं लिखा हुआ हो तो युग्मक ध्वनि लिखी हुई मिलेगी। युग्मक का मतलब होता है जोड़ा, ऐसी ध्वनि जिस जो कि जोड़े के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो बताइए जोड़ा है कि नहीं है? देखो जुड़वा भाई आ गए, साई जाहिर सी बात है। युग्मक का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब हो गया जुड़वा। अभी जुड़वा भाई है, एक तो भोला भाला ये आधा है, ये पूरा है, ये बड़ा ही चालाक है, ये भोला भाला है, ये बड़ा चालाक है। तो ये जुड़वा भाई आ गए, जुड़वा आ गए अर्थात दो होते, दो व्यक्ति, दो बेटे, दो भाई जुड़वा हो गए। तो दो जुड़वा हो गए द्वित्व, और ये जुड़वा है इसी वजह से इनको युग्मक ध्वनि भी कहा गया है। तो शुद्ध कौन सा होगा? इसमें केवल और केवल एक तय आता है, इसमें भी एक ही तय आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो मैं बात कर रहा था प्यारे साथियों क्रिया की दृष्टि से वाक्य के भेद। एक तो होता है कर्तृ होता है, एक कर्म होता है, एक भाव होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इनको कि कर्तृवाच्य जो होता है वह क्या होता है, आप इसके बारे में कितना जानते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है प्यारे साथियों। तो कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वाक्य की मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब हम सभी मिलकर के इसको जानते हैं और इससे संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है उसको हम प्राप्त करते हैं प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कर्तृवाच्य में क्या होता है कि जो क्रिया का रूप है, किसका रूप प्यारे साथियों? क्रिया का रूप, केवल और केवल। क्योंकि बताइए क्रिया का रूप, रूप में ध्यान रखना, यहां पर ऊ कौन सा वाला है? बड़ा वाला ऊ है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो हमारा जो कक्का होता है, क्या कक्का जो होता है जिसे हिंदी में ककहरा कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ककहरा कहते हैं। हिंदी में कक्के को क्या कहते हैं? ककहरा कहते हैं। इस ककहरे में केवल और केवल एक ही ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसमें जिसमें कि ऊ की जो मात्रा है, जिसमें कि ऊ की जो मात्रा है प्यारे साथियों वह उसके पैरों के नीचे की ओर नहीं लगती है। ऊ की मात्रा इसके पैरों के नीचे की ओर नहीं लगती है, इसके मध्य भाग में ऊ की मात्रा लगती है। तो यहां पर ह्रस्व है और यहां पर दीर्घ ऊ है। तो रूप कैसे बनता है जरा हम जान लेते हैं। ये स्वर रहित जो र है इसमें ह्रस्व ऊ का योग होगा स्वर में, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण जो है बिना स्वर के संभव नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो जब इसमें इसके साथ में योग होगा तो किस तरह से रूप बनेगा प्यारे साथियों? ये इस तरह से रूप बनेगा, ठीक है, या तो इस तरह से रूप लिखा हुआ मिलेगा आपको या फिर इस तरह से गांठ लगा हुआ एक रूप मिलेगा आपको, ठीक है। किताबों में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा और हम इस तरह का लिख भी सकते हैं। अब चलो ये ह्रस्व ऊ का योग होगा तो इस तरह से आपको बनावट मिलेगी, परंतु ये जो दीर्घ ऊ है जब ये ह्रस्व ऊ में इस सॉरी र में इसका योग होगा तो किस प्रकार से बनेगा? पहले र बनाएंगे और बीच में थोड़ा योजक चिन्ह हम बनाएंगे इस तरह से, फिर गांठ लगाएंगे प्यारे मित्रों। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि ये जो रू है ये तो कौन सा वाला ऊ मिला हुआ, इसमें दीर्घ स्वर है, और ये जो रू है प्यारे साथियों इसमें कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो हमारे मान लीजिए आप कोई भी भर्ती परीक्षा दे रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें यदि आपसे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया कि हमारे जो हमारा ककहरा है उस ककहरे में उस व्यंजन का नाम बताइए जिसके अंतर्गत उस जो स्वर है चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ स्वर हो उसके पद, पद का मतलब उसके पैर पे या उसके खड़ी पाई में
इनका योग नहीं होता है तो वह कौन सा वाला व्यंजन है प्यारे साथियों? र केवल एक ऐसा व्यंजन है जिसके पैरों के नीचे की ओर उ की मात्रा नहीं लगती है। चलिए तो आगे की ओर हम अग्रसर होते हैं, यह आप सभी जान चुके हो। तो रूप में हमेशा बड़े उ की मात्रा आती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर छोटा उ लगाओगे तो उसका उच्चारण होगा रूप होगा, और बड़े उ की मात्रा आप उसमें लगाओगे दीर्घ स्वर की तो उसका उच्चारण होगा रूप होगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर का उच्चारण आलाप कम समय के लिए होता है और दीर्घ जो स्वर होता है उसका उच्चारण जो है या उसका आलाप है वो अधिक समय के लिए होता है। दीर्घ श्वास लंबी श्वास वाला होता है मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलेंगे रूप बोलेंगे। तो क्रिया का रूप कर्ता के, क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है। देखो आपको केवल और केवल यही बात ध्यान रखनी है। देखो मैं किताबों के अनुसार नहीं प्यारे साथियों कि जैसा का जैसा किताबों में लिखा हुआ है हूबहू मैं उनकी नकल करके यहां पर उसको लिपिबद्ध करवा दूं, ना ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको समझता हूं और प्रामाणिक जो किताबें हैं उनको समझता हूं और इस प्रकार से उनको समझता हूं कि वो भली भांति आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा तरीका अलग है। तो क्रिया का रूप किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार होता है तो उन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उन्हें कहते हैं कर्तृवाच्य। वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। क्रिया का रूप किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम जानते हैं, अग्रसर होते हैं कि सर हम पहचान कैसे करें, क्योंकि हमारे परीक्षा में क्या है, प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित दो प्रकार के सवाल बनते हैं जो हमारे लिए बड़े ही जटिल होते हैं। एक जो प्रश्न बनता है मेरे प्यारे साथियों वो किस प्रकार का होता है? एक प्रश्न तो ये होता है कि निम्नांकित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का अंतर्गत निहित नहीं है, नकारात्मक प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए, जब भी आप बता सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको वाच्य को जानना है प्यारे साथियों तो आपको कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है सकर्मक और एक होता है मेरे प्यारे साथियों अकर्मक, यह आना बहुत आवश्यक है। यदि आपको सकर्मक और अकर्मक नहीं आता है तो आप वाच्य को जान ही नहीं सकते हो। सकर्मक और अकर्मक आपको आना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। रवि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो हेमा चौधरी जी जरूर बताइए जो भी रिक्वेस्ट है सर को, बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए आप। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। सकर्मक और अकर्मक आना बहुत जरूरी है, इनका जैसा नाम है उस नाम में ही परिभाषा है। तो चलिए इनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार कि सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं। देखो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं क्या होती है, जरा मैं एक बार आपको अच्छे से लिपिबद्ध करके बता देता हूं ताकि मन में किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा उत्पन्न ना हो। तो प्यारे साथियों मैंने लिखा है, एक तो सकर्मक क्रिया लिखा है और मैंने एक क्या लिखा है, अकर्मक क्रिया लिखा है। तो हमारी जो पहली कक्षा हुई थी इसी मंच पर प्यारे साथियों, तो सबसे पहले मैंने आपको, ठीक है, विषय वस्तु से संबंधित संक्षिप्त जानकारी दी थी, वही जानकारी अब यहां पर है। देखो क्रिया क का मतलब होता है के, स का मतलब होता है साथ, कर्म का मतलब होता है कर्म का होना, अर्थात वह वाक्य जिसमें पीछे से हमें अर्थ लेना है परिभाषा। क्रिया क का मतलब है के, स का मतलब होता है साथ, किसका उपस्थित होना, कर्म का उपस्थित होना। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कौन उपस्थित हो, कर्म उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक। चलिए अब अकर्मक को जानते हैं। क्रिया क का मतलब होता है के साथ, कर्म का अ का मतलब होता है नहीं। आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, पांच हमारे हिंदी में पांच उपसर्ग ऐसे हैं जो हमें नहीं का अर्थ देते हैं, और वो पांच उपसर्ग कौन कौन से हैं? एक तो है अ, एक है अन, फिर एक और आ गया है अन, और फिर एक और कौन सा है प्यारे साथियों, न, और एक और है वो है ना। ये पांच उपसर्ग ऐसे हैं प्यारे साथियों जो हमें नकारात्मक अर्थ देता है। कौन सा अर्थ देते हैं हमें? ये नकारात्मक अर्थ देने के कारण इन्हें नकारात्मक, और यह नकारात्मक का अन्य नाम क्या होता है, निषेधात्मक होता है। इसीलिए इनको नकारात्मक या निषेधात्मक उपसर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें यह नहीं का अर्थ देते हैं। कौन सा अर्थ देते हैं? नहीं का अर्थ देते हैं प्यारे साथियों। केवल और केवल ये पांच ऐसे उपसर्ग है जो हमें कौन सा अर्थ देते हैं? नहीं का अर्थ देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, नहीं का
अर्थ देते हैं ये हमेशा। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, नकारात्मक या निषेधात्मक उपसर्ग कहा जाता है। तो हमने यहां पर क्या देखा है, यहां पर हमने ये देखा है अकर्मक में सबसे पहले अ लिखा हुआ है तो अ उपसर्ग होता है, और जिसका अर्थ क्या होता है, नहीं, अर्थात क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी यह बनती है मेरे प्यारे साथियों कि आपके जितने भी साथीगण हैं उन सभी को सूचना देनी होगी कि इसी मंच से संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी विषय की, यानी कि तीनों जो भाषाएं हैं, इन तीनों भाषाओं का 100% और एक प्रामाणिक ज्ञान दिया जा रहा है जिसमें किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, पूर्ण से यानी कि नॉर्मल मैं आपको बात करूं सुनने से लेकर के बिल्कुल 100% का आपको ज्ञान दिया जा रहा है। चलिए डीके आचार्य जी आ गए। जी गुरु जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप इस कक्षा के लिंक को शेयर करा करो, ठीक है प्यारे साथियों, ताकि वह साथीगण हमसे जुड़ चुके या जुड़ सके जिनको कि अभी इसका वास्तविक ज्ञान नहीं है। चलिए मैं अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर अग्रसर हो रहा हूं। सकर्मक और अकर्मक को हम जान गए। क्रिया के साथ यदि कर्म मौजूद है सकर्मक है, क्रिया के साथ यदि कर्म नहीं है तो वह कर्मक हो गया। और ये पांच उपसर्ग ऐसे हैं जो हमें नहीं कार देते हैं, इन्हें नकारात्मक उपसर्ग कहते हैं। और इन पांच उपसर्गों से ही एक समास बनता है जिसे नियत तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे नियत तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें एक अनेक अलग समाज की पहचान भी हो गई है। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं और अब हम जानते हैं, यदि अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं प्यारे साथियों ध्यातव्य बिंदु की, मैं बात करता हूं किसकी बात करता हूं, सबसे पहले ध्यातव्य बिंदु की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है वह प्रामाणिक प्रश्न आते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं। जैसे कि अ विकल्प में आ गया, क्या लिखा हुआ आया कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार के वाक्य प्रयुक्त होते हैं, अ विकल्प में ये आ गया। फिर ब विकल्प में क्या लिखा हुआ आया प्यारे साथियों कि कर्ता कर्तृवाच्य के कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, क्या यह सत्य है या असत्य है। फिर सी विकल्प में आया, क्या कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह शून्य रूप में होता है कर्तृवाच्य के अंतर्गत। और फिर लिखा हुआ आ गया कि कर्ता के अंत में कर्तृवाच्य के अंतर्गत जा धातु से निर्मित कोई भी क्रिया नहीं आती है। तो आपको इस प्रकार से देखना होगा कि कौन सा विकल्प है वह कर्तृवाच्य के अंतर्गत संगत है और कौन सा असंगत है। वह कब बता पाओगे, जब आपको यह ध्यातव्य बिंदु या स्मरणीय बिंदु को ध्यान होगा, तभी आप प्यारे साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को एक उचित विकल्प का हल कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं और बताता हूं सर्वप्रथम कि पहला ध्यातव्य बिंदु क्या है। ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य बिंदु, स्मरणीय बिंदु यानी याद रखने योग्य बिंदु क्या है। भरत सोलंकी जी आगे, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भरत। भरत सोलंकी जी तहे दिल से आभार और अभिनंदन है। चलिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं प्यारे साथियों। पहला यह है कि कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के अंतर्गत, या मैं लिख देता हूं सरल साधारण भाषा में आपके लिए, कर्तृवाच्य की संरचना सकर्मक तथा अकर्मक, सकर्मक तथा अकर्मक, कर्तृवाच्य की संरचना सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों से की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत जो वाक्य है ना, वो सकर्मक भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही वाक्यों का क्या होता है, निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं और दूसरा बिंदु मैं आपके समक्ष यहां नीत करता हूं। देखो,
कर्ता के बाद केवल ने, ध्यान रखना है कर्ता के बाद में केवल कौन सा, ने विभक्ति चिन्ह का, ने विभक्ति चिहन का, विभक्ति चिहन का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त होता है। किसके अनुसार प्यारे साथियों, आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त होता है। आपको यह ध्यान रखना है केवल और केवल, यदि किसी भी हिंदी वाले वाक्य के बाद में, यानी कि हिंदी वाले वाक्य में कर्ता के बाद में यदि ने विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ मिल गया, कौन सा विभक्ति चिन्ह मिल गया प्यारे साथियों, ने विभक्ति चिन्ह यदि आपको मिल जाता है कर्ता के बाद में, तो समझ लेना वो कर्तृवाच्य, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। और आगे मैं बात करूं कि इसके बाद में कर्ता के बाद में या तो ने विभक्ति चिन्ह मिलेगा या फिर कर्ता के बाद में, किसके बाद में, कर्ता के बाद में ने के अलावा या तो फिर कोई सा विभक्ति चिन्ह होगा, कर्ता के बाद में कोई सा भी, ध्यान रखना है कोई सा भी। और एक बात एक और ध्यान रखनी है, कभी भी ध्यान रखना है, सा का प्रयोग होता है, सी का प्रयोग होता है, तो सा और सी से पहले जो भी शब्द होगा उन दोनों के मध्य में ये योजक चिन्ह आता है। ये वाक्य अशुद्धि का विशेष ध्यान रखना है प्यारे साथियों। यदि किसी भी वाक्य में सा या सी लिखा हुआ आ गया, तो उससे पहले आपको यहां पर बीच में क्या लगाना होगा, योजक चिन्ह लगाना होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्ता के बाद में कोई सा भी विभक्ति चिन्ह नहीं हो, कोई सा भी विभक्ति चिहन नहीं हो, विभक्ति चिहन नहीं हो, तो कर्तृवाच्य निहित होता है। कौन सा वाच्य निहित होता है, कर्तृवाच्य निहित होता है। केवल और केवल आपको यही ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य क्या होता है, निहित होता है। चलिए अब मैं सूत्रीकरण कर देता हूं। आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है, तो मैं इसका सूत्रीकरण कर देता हूं आप सभी के लिए। देखो ध्यान देना है, सबसे पहले कौन आएगा प्यारे साथियों, कर्ता आएगा, क्या आएगा, कर्ता आएगा, या फिर कर्ता के बाद में आपको दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा, ने विभक्ति चिन्ह दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, ने विभक्ति चिन्ह दे रखा होगा। मेरी एक बात जेहन में हमेशा आप उतार लेना, रख लेना, यदि कर्ता के बाद में आपको ने विभक्ति चिन्ह दिखाई दे, कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो 101% उस वाक्य में कर्म होगा, क्या होगा, कर्म होगा, और वह वाक्य की जो क्रिया होगी ना वह भूतकाल की होगी। यह मैं आपको लास्ट में, ठीक है, अंत में अभी लिखाऊंगा। तो कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह हो, क्या हो, ने विभक्ति चिहन, ने विभक्ति अगर चिहन लिखा हुआ आया है, ठीक है, तो उसमें कर्म तो होगा ही होगा, ये कर्म उपस्थित होगा, ये कर्म उपस्थित, कर्म उपस्थित या विद्यमान लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद में मैं बात करूं, कर्म तो होगा ही होगा और जो क्रिया होगी ना अंत में, जो क्रिया आएगी वह क्रिया क्या होगी प्यारे साथियों, भूतकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, वह भूतकालिक क्रिया होगी। इसका मतलब क्रिया कौन से काल की होगी, भूतकाल की होगी। यह आपको ध्यान रखना है सभी को, क्या ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर अपने शब्दों की पुनरावृत्ति कर देता हूं प्यारे साथियों, कि कर्ता शब्द के बाद में यदि ने विभक्ति चिहन आपको दिखाई दे रहा है या कर्ता के साथ में ने विभक्ति चिहन आया है, तो उस वाक्य में कर्म उपस्थित होगा ही होगा, क्या उपस्थित होगा उस वाले वाक्य में, कर्म उपस्थित होगा। और जो क्रिया होगी ना प्यारे साथियों, वह क्रिया कौन से काल की होगी, भूतकाल की होगी। अब एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, देखो ठीक है, कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिहन हो और कर्म उपस्थित होगा, और कर्म उपस्थित होगा और क्रिया कौन से काल की होगी, भूतकाल की होगी।
अगर इस प्रकार का कोई आपको वाक्य दिखाई दे कि कर्ता के बाद में ने और कर्म उपस्थित हो, क्रिया भूतकाल की हो, तो भैया वहां पर वाच्य कौन सा होगा रे? वहां पर वाच्य होगा मेरे प्यारे साथियों कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। बताइए यहां तक आप सभी के समझ में आया क्या? नीता कंवर जी कह रही हैं कि सर जी श्याम पट का छाया चित्र ले लेने दे। प्यारे साथियों जितने भी नवागंतुक साथीगण हैं उन सभी से मेरा अनुनय विनय यही है कि एडुपथ आचार्य नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। अभी हमारी जो अंग्रेजी की और हिंदी की कक्षाएं हुई है ना प्यारे साथियों, अभी इनकी पीडीएफ बना दी जाएगी और पीडीएफ बना करके हमारे इस एडुपथ आचार्य नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस पर हम इसको डाल देंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप निसंकोच रहें, फिर भी मैं आपको समय दे देता हूं, आप एक बार जरूर आप इसका छायाचित्र ले लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। ठीक है, चलिए सभी छायाचित्र ले चुके होंगे, मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं। चलिए आगे की ओर प्यारे साथियों, अब मैं उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं इससे संबंधित। मैंने पहला उदाहरण आपके समक्ष रखा है प्यारे साथियों, कृष्णा ने कृष्णा ने पौधे लगाए। अब आपको ध्यान से देखना है कि मेरे द्वारा अभी जो सूत्रीकरण किया गया है या मेरे द्वारा आपको जो बात बताई गई है क्या वह सत्य है, यथार्थ है? जरा कंचन गहलो जी कह रही है सर साइड में हो जियो। अरे लो साइड में हो गया यार, अब क्या चाहिए आप सभी को। नीता भाई साहब गजब हिंदी का प्रयोग किया। जरूर आप हिंदी को है ना दैनंदिन जीवन में इस तरह से इसका उपयोग करना सीख जाओगे मेरे प्यारे साथियों कि आपके मुखार विंद से है ना एक शुद्ध हिंदी का प्राकट्य होगा, यानी कि शुद्ध हिंदी अभिव्यक्त होगी, प्रकट होना शुरू हो जाएगी स्वतः ही। बस आप जुड़े रहें, बस आपसे मेरा यही निवेदन है। देखो सबसे पहले हमने यहां पर देखा एक ये जो शब्द लिखा हुआ है तृष्णा, बताइए यह क्या है? तो यह तो कर्ता हो गया है प्यारे मित्रों, कर्ता है। कर्ता के बाद में बताइए क्या दे रखा है? ने विभक्ति चिहन दे रखा है। क्या दे रखा है? ये ने क्या है? ये विभक्ति चिहन है प्यारे साथियों। चलिए ने विभक्ति चिन्ह दे रखा है, तो विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी बोलते हैं, तो मैं यहां पर शॉर्ट में इसको मैंने परसर्ग लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने परसर्ग लिख करके इसको अभिव्यक्त कर दिया। अब चलिए वाक्य के अंत में जो शब्द होता है वह क्या होता है प्यारे साथियों? वह तो क्रियापद होता है या क्रिया होती है। वाक्य के अंत में जो शब्द होता है वह क्या होती है? क्रिया होती है। आपको यदि जब किसी भी शब्द की पहचान करनी है ना तो क्रिया के पास चले जाओ। ये क्रिया वह थाना है, मान लीजिए हमारा घर का कोई सा भी सदस्य अगर कहीं खो जाता है, ठीक है, तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहां जाते हैं? थाने में जाते हैं, और थाने में जब हम जाते हैं तो उसकी फोटो लेकर के जाते हैं कि भाई साहब हमारा ये लड़का है या लड़की है ये कहीं खो गए हैं तो जरा आप इनका पता लगाइए। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? पता लगाते हैं। तो वैसे ही जो थाना है प्यारे साथियों, क्रिया नाम का थाना है, इसके पास में आप चले जाओ और फोटो लेकर के जानी पड़ेगी। क्या लेकर के जानी पड़ेगी? फोटो। मान ली फोटो कैसे? मान लीजिए हमें कर्ता की पहचान करनी है तो कर्ता की पहचान करने के लिए कितने प्रश्नवाचक? दो प्रश्नवाचक शब्द, तो दो फोटो लेकर के जाएंगे, एक तो कौन नाम की और एक किसने नाम की। ये दो फोटो लेकर के हम किसके पास में गए? हम गए क्रिया के पास में गए, और क्रिया के पास में जाकर के कहा कि हमारा जो बच्चा गुमा है, ठीक है, खो गया है, उसकी एक तो फोटो यह है और एक वर्तमान फोटो यह है, आप जरा इसका पता लगाइए। तो फोटो थाने अधिकारी के पास में लेकर के गए, तो इसको लेकर के जाओ। कौन लगाए? जवाब मिला क्या? कौन लगाए? ये तो सही साफ दिखाई नहीं दे रहा, जवाब नहीं मिला। तो किसने लगाए? ध्यान देना है, कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह दे रखा है तो आपको जवाब भी कौन से वाले प्रश्नवाचक से मिलेगा भैया? जिसके बाद में ने आ रखा है। जिसके बाद में क्या आ रखा है? ने आ रखा है, उस ही प्रश्नवाचक शब्द से आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा। किसने लगाए? तो किसने लगाए भैया? तृष्णा ने लगाए। ठीक है,
तो तृष्णा कर्ता होगी, ने विभक्ति चिन्ह हो गया, कर्ता की तो पहचान हो गई। अब कर्ता के बाद में हमें किसको ढूंढना है, कर्म को ढूंढना है, और कर्म को ढूंढने के लिए कितने प्रश्नवाचक शब्द काम में लेते हैं प्यारे साथियों, दो प्रश्नवाचक, एक तो है क्या और एक है किसको, क्या और किसको। कर्म को ढूंढना है, लड़की खो गई है, ये तो दो फोटो है, ठीक है, इन दो फोटो को लेकर के हम किसके पास में गए, थाने अधिकारी के पास में गए, ये वर्तमान, ये तो पुरानी फोटो है, ये वर्तमान फोटो, देखते हैं किससे जवाब मिलता है, क्या लगाए, तो जवाब मिल गया प्यारे साथियों पौधे लगाए, तो यह क्या हो गया है, पौधे तो कर्म हो गया है। अब बताना है आपको कि कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह मौजूद होता है तो क्या उस वाक्य में कर्म मिलेगा आपको, जी हाँ कर्म मिलता है उसमें, तो ये कर्म नहीं था इसके अंतर्गत, ठीक है। और क्रिया कौन से काल की है मुझे बताओ, क्रिया लगाए, यदि किसी भी क्रिया सूचक शब्द के अंत में, क्रिया सूचक शब्द के अंत में यदि आ स्वर, यदि ई स्वर या फिर ए स्वर आपको दिखाई देता है या सुनाई देता है प्यारे साथियों, किसी भी क्रिया शब्द के अंत में आ, दीर्घ ई या फिर ए स्वर आ जाता है, तो यह जो क्रिया शब्द होगा कौन से काल का होगा मेरे प्यारे साथियों, भूतकाल की यह क्रिया होगी, भूतकालिक क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, ये भूतकालिक क्रिया होगी। तो बताइए मेरे द्वारा अभी आपको जो बताया गया था सूत्रीकरण, क्या वह सही है, कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह हो तो कर्म उपस्थित होगा, और क्रिया कौन से काल की होगी, भूतकाल की होगी, अगर ऐसा है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों, यहां तक की जानकारी आप सभी के, तो चलिए आज मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं मेरे प्यारे मित्रों, क्यों, क्योंकि अब अगली कक्षा का समय हो चला है, तो अब रुक्षित होने का समय आ गया है। क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के समझ में आई है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के समझ में आई है तो मैं आप सभी से मैं अनुनय विनय यही करूंगा, यदि आप मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हो और शत प्रतिशत एक यथार्थ और प्रामाणिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रगणों को, आपके अनुजों को, आपके अग्रजों को, आपको उनको सूचना देनी होगी कि एडुपत आचार्य मंच पर एक यथार्थ प्रामाणिक और वास्तविक ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी तादाद जितनी ज्यादा होगी प्यारे साथियों उतनी ही हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है प्यारे साथियों। जिस प्रकार से हम विद्यार्थी हितार्थ कार्य कर रहे हैं तो आपकी भी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, हम आपसे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहे, हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आपने सोशल अकाउंट बना रखा है, आपने एफ बी अकाउंट बना रखा है, आपने व्हाट्सएप बना रखा है, इंस्टा बना रखा है, ठीक है प्यारे साथियों, तो इस कक्षा के लिंक को जरूर लगाएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, क्योंकि जितनी आपकी तादाद होगी प्यारे साथियों, क्योंकि हमारी पहचान आप पर निर्भर करती है, यदि आप जितनी तादाद में, ठीक है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी सबसे ज्यादा पब्लिसिटी होती है, तो यह काम आपको करना है प्यारे साथियों, ठीक है, और जितना आप सोशल अकाउंट पर जितना शेयर करोगे उतनी ही तादाद बढ़ेगी। एक बार किसी भी विद्यार्थी को आपको इस मंच पे लाना है, वह वास्तविकता का आकलन करेगा, ठीक है प्यारे मित्रों, आपको केवल इस मंच पर उसे लाना है, अगर वह विवेक रखता है, धैर्य रखता है और वास्तविक ज्ञान को अगर पहचान करने की क्षमता रखता है तो ये मेरा दावा है वह इस मंच पर जरूर रुकेगा, ठीक है प्यारे साथियों। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सभी को मेरा हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों।